Ladies and gentlemen, welcome to the webinar on Roshan Digital Account. We start with the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alayhim, Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. ये वेबिनार जो आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तान एम्बेसी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, मालूमात देना चाहते हैं अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी को, ओवरसीज पाकिस्तान कम्युनिटी को, ताकि उन्हें पता चले ये कि जो बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस रोशन बैंक अकाउंट के सिलसिले में, और इसको अप्रिशिएट करती है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। और मैं जो स्पीकर है इसमें वो इम्तियाज गोंदल साहब हैं जो चार्जी अफेयर है पाकिस्तान एम्बेसी के, फिर सैयद इरफान अली साहब हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, मिस्टर अरशद महमूद भट्टी साहब हैं जो डायरेक्टर ईडीपी एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके ताल्लुक है उनका भी, जो रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट और उसकी तफसीलात बताएंगे। जुल्फिकार खोकर साहब हैं जो के हेड ऑफ पाकिस्तान रेमिटेंस और ये उनका इनिशिएटिव है, तो ये माशाल्लाह सारे काबिल स्पीकर हैं, ऑनरेबल हैं, और इनकी जो डिटेल्स आएंगी इससे आपको सारा पता चल जाएगा कैसे बैंक अकाउंट खोलते हैं और कैसे इसको चलाएंगे और इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे सबको बेनिफिट होगा। मैं शुरू करता हूँ एंड आई वेलकम मिस्टर इम्तियाज फिरोज गोंदल टू हैव द ओपनिंग स्पीच दिस इम्पोर्टेंट वेबिनार, बट इससे पहले मैं उनकी कुछ तफसील दे देता हूँ। ये चार्जी अफेयर है माशाल्लाह, ये उर्दू इंग्लिश चाइनीज जानते हैं, इज अ कैरियर डिप्लोमेट, हैव सर्वड अ डिफरेंट पोजीशन एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एम्बेसी इन चाइना, स्पेन, यूएई, एंड ही हैज अ वेरी पॉजिटिव लुक फॉर कॉमन ग्राउंड टू एडवांस पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट एंड कॉमन गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ही वर्क बिल्ड ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। इनकी और भी खसूसियत है कि वो सीपैक में बहुत इन्होंने लीडिंग रोल अदा किया है, वो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मिलकर कोशिश करेंगे कि एफडीआई ले जाए पाकिस्तान में। सो ओवर टू फिरोज इम्तियाज फिरोज गोंदल साहब, प्लीज। डॉक्टर कैसर अनीस साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल डॉक्टर कैसर अनीस, प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अबू धाबी, सैयद इरफान अली साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक, जुल्फिकार खोकर साहब और बाकी दोस्त पैनलिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इम्पोर्टेंट सेमिनार वेबिनार ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिजिटल रोशन अकाउंट। रिसेंटली जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, ओवरसीज पाकिस्तानी के फैसिलिटेशन के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारह हदायात जारी की तमाम एम्बेसीज को भी, तमाम पाकिस्तानी महकमों को, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को फैसिलिटेशन करने के लिए जो है इकदाम लिए जाएंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी स्पेशल फोकस करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की वेलफेयर के ऊपर। इसी सिलसिले में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर रिसेंटली उन्होंने बहुत काम करना शुरू किया हुआ है। तमाम हमारी एम्बेसीज पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हैं, दे आर फोकसिंग ऑन enhancing the Pakistan's economic outreach. इस सिलसिले में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इकदाम है रोशन बैंक अकाउंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के डायरेक्टर्स के ऊपर इसको ओपन करने वाला, एक बड़ा वेलकम स्टेप है। इसकी वजह से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हम जैसे यहाँ पे दुबई यूएई में बैठे हैं, यूएई में तकरीबन 1.7-1.8 मिलियन 17-18 लाख पाकिस्तानी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। यूएई जो हमारी वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन है जहाँ से रेमिटेंस पाकिस्तान में जाती है,
इसलिए इन ये रोशन बैंक अकाउंट एक अहम कदम साबित होगा पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी को पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक करने का, जो आसानियां पैदा करेगा यहाँ से इन्वेस्टमेंट को वापस पाकिस्तान में लेके जाने के लिए। इसके अलावा हमारी अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आसानी होगी, वो अपने जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान के बैंक्स के थ्रू कर सकें, बजाय कि वो जो मुख्तलिफ दूसरे ज़राए इस्तेमाल करें। आजकल के दौर में जब आसानी बड़ी ज़रूरी है, किसी भी कोई भी सर्विस अगर हम प्रोवाइड करते हैं, जितनी वो इफ़ेक्टिव होगी उससे उसकी जितनी वो इफ़ेक्टिव के साथ साथ जितनी टाइमली होगी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। वी होप इंशाल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गाइडेंस में तमाम हमारे लीडर्स हैं, सैयद इरफान अली साहब भी हैं, ज़ुल्फ़िकार ओखर साहब, भट्टी साहब और डिप्टी गवर्नर साहब आल्सो सपोज टू बी हियर, मुर्तजा साहब भी। वी होप कि इंशाल्लाह आप सब की जो रहनुमाई में और आप सब की एफर्ट से ये एक सक्सेसफुल एंडेवर होगी और ये हमारी कम्युनिटी को पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेगी, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। और हम वी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान यूएई, हमारा कौंसल अबू धाबी और हमारा कौंसलेट इन दुबई, हम हर वक्त अपनी कम्यूनिटी के लिए हमारे तमाम दरवाजे खुले हैं हर किस्म की खदमात मुहैया करने के लिए और इसी में ही रोशन पाकिस्तान को करने के लिए और इसके जो भी कोई एलाइड फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे कि अपनी बेहतर से बेहतर तौर पर सर्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन पाकिस्तान काउंसिल यूएई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमने आज अवेयरनेस वेबिनार कर रहे हैं, आई होप इंशाल्लाह ये बड़ा प्रोडक्टिव साबित होगा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। और अगर ना होगा तो हम लिख करके आपको जवाब दे देंगे। नाउ मैं आप बुला रहा हूं जनाब सैयद इरफान अली साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। प्लीज वेलकम टू सैयद इरफान अली साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई वाज अगेन बीइंग चैलेंज्ड बाय द सिस्टम एंड वो मुझे अनम्यूट नहीं करने दे रहा था, बट बहुत शुक्रिया आपका और यार मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू दिस ऑगस्ट गैदरिंग डॉक्टर्स सैयद कैसर अनीस इम्तियाज गोंदल साहब एंड आई बिलीव देर आर अबाउट 76 पार्टिसिपेंट्स, सो इट इज़ हार्टनिंग टू इन फैक्ट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, आई थिंक दैट इज़ अगेन वेरी हार्टनिंग एंड लेट मी टेल यू दैट Murtaza Sayyed Saab, our deputy governor, who was supposed to be here in this meeting. He unfortunately fell sick and, he in fact is not coming to office for the past few days. And he then requested me to talk to this August gathering. And I'm so pleased that to talk to you. And Murtaza Sayyed Saab, unfortunately, like I said, is not well and he has communicated his regrets. And he would have loved to be here today. Now, जो बात मुझे करनी है वो बड़ी अहम है और बहुत बहुत ही जल्दी से बात करते हैं सो दैट कि आप डायरेक्ट जो प्रेजेंटर्स हैं उन तक चले जाएं। एक तो यस डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा और गोंदल साहब आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, 1.8 मिलियन पाकिस्तानी हैं तो ये पाकिस्तानी हमारे स्टार है और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं और दुबई कराची से तो 2.5-2 घंटे की फ्लाइट है तो दुबई से
हमारा रابطہ बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे हम पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर से رابطہ रखते हैं। तो मैं एयरपोर्ट के करीब ही रहता हूँ कराची में, तो मैं देखता हूँ कि सारा दिन एमिरेट्स की फ्लाइट कराची में लैंड करती हैं। सो तो दुबई को तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूर समझता हूँ, और हमारे बाकी पाकिस्तानी भाई भी आई एम श्योर के ऐसा ही समझते हैं। इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यस कोविड 19 का एक चैलेंज है 2020 में, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें स्लो हुई हैं। बट आप अखबार आप लोग खुद देख रहे होंगे कि रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, और उसकी वजूहत बहुत ही पॉजिटिव वजूहत भी हैं जो आपको ज़ुल्फ़िकार कोकर साहब मेरे कलीग बताएंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स में स्टेबिलिटी आ रही है, बट रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स मैच कर गई हैं जैसे डॉक्टर साहब इस मीटिंग से पहले कह रहे थे कि, तो पाकिस्तानी इज नेचुरली आर मेकिंग अ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट इम्तियाज गुंदल साहब, आई वॉज इन द यूएई, मैंने अब हमारी कौंसलेट में एक दिन पूरा गुजारा था दो साल पहले अबू धाबी में, और वो सारा ऑब्जेक्टिव ही उसका ये था कि जो हमारे पाकिस्तानीज हैं उनके मसाइल को सुना जाए और उनके लिए हल तजवीज़ किए जाए। सो वी डिड दैट, और मेरे साथ मेरे डायरेक्टर थे और दूसरे लोग थे। तो यस वी आर डेफिनेटली प्रिविलेज्ड कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से दोस्तों से मिले, जिसमें हमारे ब्लू कॉलर्ड वर्कर भी शामिल थे, हमारे डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर भी थे, और कैसर साहब तो हैं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी हमारी उसी तरह मुलाकात हुई और हमने उन मसाइल को हल करने की कोशिश की। और पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि हम फैट ऑफ एक्शन प्लान से गुजर रहे थे, तो हमने इधर मनी लॉन्ड्रिंग को और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को बहुत सीरियसली एड्रेस किया, और हुंडी एंड हवाला के खिलाफ बाकायदा जंग की, यहाँ तक किया कि हमने उलमा से फतवे लिए कि हुंडी और हवाला जो है वो गैर शरई है, वो बाकायदा हराम है। यहाँ तक डॉक्टर साहब हमने किया, और वो फतवे जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में पूरे बिलाए और पाकिस्तान में इश्तार दिए कि हुंडी और हवाला को इस्तेमाल मत करें, बल्कि बैंकिंग चैनल से पैसे भेजें। और आप सब लोगों ने, पाकिस्तानियों ने हमारी बात सुनी, ये जो पैसे आपको पाकिस्तान में आते नज़र आ रहे हैं और जिसमें बैंकिंग चैनल यूज़ हो रहे हैं, उसमें जाहिर है वो पैसे पाकिस्तानी भेजते हैं। पर हमने भी गोंदल साहब अपना एक वादा पूरा किया, ये जो पैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान भेजते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत इसकी जो कॉस्ट है इसको सब्सिडाइज करती है, और हर साल तकरीबन 15 अरब रुपए हम बजट से पे करते हैं अपने पाकिस्तानी और दूसरे बैंक्स को, ताकि पाकिस्तानियों को पैसा भेजने में कोई खर्चा ना लाए। तो ये एक बहुत ही मेजर कमिटमेंट है हुकूमत पाकिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, स्टेट बैंक की, कि जो हम पाकिस्तानियों की खिदमत में करते हैं। तो ये रोशन डिजिटल भी उसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें अगेन हम पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में अपने अकाउंट्स खोलें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान लाएं और यूटिलिटी बिल्स पे करें, डेबिट कार्ड इशू करवाएं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। तो जो अरशद भट्टी साहब इस पर ज़्यादा तफसील से बात करेंगे, बट आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत जब जो भी रहेगी, और स्टेट बैंक बीइंग अ रेगुलेटर, हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की पूरी तरह असिस्ट करें, प्रोफेशनली करें, और उनके लिए डिजिटल एक्सपीरियंस लाएं, ताकि बीच में से इंटरेक्शन कम से कम हो जाए, उनकी लोगों से इंटरेक्शन कम हो, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो, ताकि उनकी शिकायतें कम हो सकें और वो सीमलेस एक्सपीरियंस हो सके। तो एक्सचेंज रेट पे भी दो मिनट बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज रेट इस वक्त स्टेबल है और मार्केट बेस्ड है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज का ये एक बेनिफिट है कि एक्सचेंज रेट अब मार्केट बेस्ड है। तो पाकिस्तानी दिन में 10 दफ़ा अपनी स्क्रीन देख सकते हैं, और उस वक्त जब उनको लगे कि बेहतर रेट है उस वक्त पाकिस्तान में पैसे भेजें। तो मैं अब अपनी जो गुफ्तगू है उसे ख़त्म करता हूँ, और गुंदल साहब आपका और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो हुकूमत पाकिस्तान का जो मैंडेट है उसको, जो कि पाकिस्तानियों की खिदमत है, और स्टेट बैंक जिसका काम ही इदारे का फैसिलिटेशन है ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तो आई एम मोस्ट ग्रेटफुल के आप लोगों ने उसमें बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। हम गोंदल साहब, नॉट ओनली ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है अबू धाबी की टीम से, इससे पहले हम रेगुलरली इंगेज होते हैं,
और दिस इज अ सीरीज ऑफ डिस्कशंस दैट वी आर हैविंग. अभी हमारी एक यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी से बहुत तफसील से बात हुई है और हम लोग अगले चंद माह मुस्तकिल पाकिस्तान की तमाम एम्बेसी से, हर उस इदारे से जिधर पाकिस्तानी काम करते हैं या एसोसिएशन हैं उनसे, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल बॉडीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कैसर साहब हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग माशरे को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली, जो लोगों को सही डगर पर लगाते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू इंगेज विद देम. और मुर्दा साहब का की तरफ से जो अगेन मैं फिर बताता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो ज़रूर होते. और मेरे ख्याल एक दुआ भी हमें एक दूसरे के लिए कर लेनी चाहिए कि COVID-19 ने हमें काफ़ी परेशान किया और वर्क फ्रॉम होम हमने जो ख़त्म कर दिया था प्रैक्टिकली, कोई एक महीना पहले हमने वर्क फ्रॉम होम तकरीबन ख़त्म कर दिया था, पर अभी फिर अनफॉर्चुनेटली ये कराची में ख़ास तौर पर हालात काफ़ी ख़राब हुए और जिसकी वजह से हमें वर्क फ्रॉम होम को दोबारा अडॉप्ट करना पड़ा, पार्टली, फुली नहीं. बट यू विल बी प्लीज्ड गोंदल साहब के तमाम अनीस साहब, स्टेट बैंक का स्टाफ टेक्निकली इक्विप्ड है और हम सब लोग घरों से भी काम करते हैं, दफ्तर से भी काम करते हैं, और वी विल इंश्योर कि जो पाकिस्तानी इसका एक्सपीरियंस है रोशन डिजिटल अकाउंट में वो सीमलेस हो. जो लोग डिप्यूटेड हैं वो अशद भट्टी साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, पर हर बैंक ने जो अपनी क्रीम है, जो उनके बेस्ट रिसोर्सेज हैं आईटी के, वो रोशन डिजिटल अकाउंट पे लगा दिए. सो होपफुली इसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमें पाकिस्तानीज ने बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स भी खोले और पैसे भी वो उसमें भेज रहे हैं. अभी मैं डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर आपको ब्रॉडली बता सकता हूँ कि पाकिस्तानी ने अकाउंट बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट खोले हैं और पूरी दुनिया से खुले हैं. इनफैक्ट 61 ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं वहाँ से अकाउंट खोले, पर नेचुरली क्योंकि यूएई में, सऊदीया में ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ से ज़्यादा अकाउंट खोले. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. अब डॉक्टर साहब मे काइंडली इन्वाइट द नेक्स्ट स्पीकर. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली इलेटेड एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस इन्विटेशन. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया सैयद फानी साहब, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी तफसीली बताया पाकिस्तान के बारे में. आपके चैलेंजेस FATF के हैं, आपके चैलेंजेस एक्सचेंज रेट के हैं, लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन है. ये जो बैंक है, मेरा ख्याल है एक रिवॉल्यूशन आया है पाकिस्तान में और आई एम श्योर ये बहुत फ़ायदा पहुँचेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के बैंकों को भी और सारी अवाम ओवरसीज पाकिस्तानी को भी पहुँचेगा. ये COVID-19 के जो बारे में आपने बात की, वाकई ये बहुत ही मार्च से हम लोग को डिस्ट्रक्ट कर दिया बिल्कुल. जो ये मैं आपको मैं बताते चलूँ कि अबू धाबी से आप दुबई नहीं जा सकते या दुबई से अबू धाबी नहीं आ सकते, और ये एक तरह का अच्छा है, कंट्रोल इतना अच्छा है, लेकिन बिजनेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ गया है. हम लोग सब दुआगो हैं कि मुर्तज़ा सैयद साहब को अल्लाह ने सेहत दे और सेहतियाब करें, और जितने लोग बीमार हैं इस सिलसिले में इस मुझी मर्ज की वजह से उनको सेहतियाब करें. विद्यास मैं बुलाता हूं जनाब अरशद महमूद भट्टी साहब जो डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के सारी तफसीलात बताएंगे. और मैं सबसे कहूंगा कि गौर से सुने, नोट करें और जो भी सवाल है आप अपना सवाल लिखें, उसका जवाब देंगे. ओवर टू अरशद महमूद भट्टी साहब, वेलकम टू द वेबिनार. बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब और बाकी तमाम साथियों का इस प्रोग्राम में हमें स्टेट बैंक को मदु करने का और ये मौका देने का कि हम जो अपना इनिशिएटिव है उसे तफसील से बयान कर सकें. एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग अस, थैंक यू इम्तियाज फिरोज साहब, गोंदल साहब फॉर होस्टिंग अस इन कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ यूएई. अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन को जो इस वेबिनार में मौजूद हैं. मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ और मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा ये रोशन डिजिटल अकाउंट इनिशिएटिव का बैकग्राउंड क्या है और हम इसके चीदा चीदा नुकात या फीचर्स के हैं. देखिए इससे पहले पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते थे, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिन्हें हम कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो वतन से दूरी की वजह से उनके लिए पाकिस्तान के बैंकिंग निज़ाम के साथ मरबूत होना
थोड़ा डिफिकल्ट था, इस सेंस में डिफिकल्ट था कि अकाउंट खोलने के लिए उन्हें फिजिकली पाकिस्तान में बैंक की ब्रांच में आना पड़ता था, और फिर उसके अकाउंट खोलने के बाद उसके ऑपरेशनल मराहल में भी उन्हें कुछ दिक्कत होती थी। कुछ बैंक्स ऑनलाइन फैसिलिटी मुयसर करते थे ट्रांजेक्शन के लिए, कुछ बैंक्स नहीं करते थे। तो एक तो ये पहलू था, हमने ये सोचा कि इसको ब्रिज कैसे किया जाए, और दूसरा ये कि हमारे जो NRPs हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने इस पाकिस्तान के बैंककारी निज़ाम के साथ कैसे मरबूत किया जाए, कैसे रब्त दिया जाए, कैसे उनका रब्ता बहाल किया जाए। तो हमने ये जो एक डिजिटल चैनल और या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, और फिर इस जो हमारा असासा है इस वक्त नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और जो हमेशा रहे हैं, आज से आप डिकेड्स देख लें कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज ने पिछली दहाइयों में भी और अभी तक कितना कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। जो रेमिटेंसेस की सूरत में सिर्फ अगर हम देख लें, तो वो खोखर साहब आपसे मजीद इसमें फिगर शेयर करेंगे कि पिछले एक दहाई में हम रीजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है हमारी रेमिटेंसेज में। तो ये जो हमारी कंट्रीब्यूशन हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की पाकिस्तान के मईशत के साथ है, पाकिस्तान के माशरे के साथ है, अपने मुल्क के साथ है, तो इस कंट्रीब्यूशन के का एक तरह का हमारी तरफ से एक इस चीज़ का इजहार है कि हम उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और उनकी अगर कोई मुश्किलात या परेशानियां आ रही थी हमारे बैंकिंग निज़ाम ने, उन परेशानियों को हमने थोड़ा सा स्टडी करके हमने उन परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश की है, और ये एक डिजिटल चैनल ऐसा मुयसर किया है जिसके तहत वो बैरून मुल्क रहते हुए भी अपने ऑफिस में या घरों से ऑनलाइन बैंक्स की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और फिर अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं मुख्तसर सी मालूमात दे के और अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। तो हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि हमारे जो भाई बहनें बाहर बैठे हैं वो दूर रहकर भी अपने आप को पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के पास महसूस करें। तो ये एक हाईवे या एक रब्त हम कोशिश कर रहे हैं देने की अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को। ये अकाउंट्स बिल्कुल प्रेजेंस लेस हैं, और इन अकाउंट्स की एक खास खासियत ये है, खसूसियत ये है कि इन अकाउंट्स में पैसे अगर बाहर से ही आ रहे हैं, और इनमें सिर्फ एक हमने यही प्रोविजन रखी है कि फ्रॉम विद इन पाकिस्तान इनमें पैसे नहीं जमा हो सकते, बाहर से आएंगे और जैसे पैसे आ सकते हैं वैसे ये पैसे बाहर जा भी सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। तो जो स्कीम है हमारी उसका मैं बुनियादी से निकात दे देता हूँ। प्रेजेंस लेस अकाउंट ओपनिंग का मतलब क्या है? चूंकि पहले ब्रांच में जाके अकाउंट खोला जाता था, हमने उस ब्रांच के उस निज़ाम को ख़त्म किया। आपको अब एज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी एम्बेसी में भी जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप बैंक की वेबसाइट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये अकाउंट्स आपको पाकिस्तानी करेंसी यानी पाकिस्तानी रुपये में भी मुयसर हैं और फॉरेन करेंसी में मुयसर हैं, उसमें मुख्तलिफ करेंसीज मुयसर हैं। आप UAE दिरहम में भी खोल सकते हैं, आप सऊदी रियाल में भी खोल सकते हैं, आप डॉलर में भी खोल सकते हैं, यूरो में भी खोल सकते हैं, आप पाउंड स्टर्लिंग में भी खोल सकते हैं, जैपनीज येन में भी खोल सकते हैं, और तीन चार और मुख्तलिफ करेंसी है। तो कुछ तकरीबन 10 करेंसीज हैं कमोबेश जिनमें फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला जा सकता है। एक सिंपल सी ID डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, और फिर हमने बैंक्स को एक कमिटमेंट ली है और ये टारगेट दिया है कि आपने अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है और मेरी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल है आपके पास, तो आप मेरा अकाउंट विद इन 48 आवर्स खोल देंगे। तो बैंक्स अगर आपका अकाउंट 48 आवर्स नहीं खोलते या आपको कोई दिक्कत पेश आती है, तो आप स्टेट बैंक से भी रब्ता कर सकते हैं और बैंक की वेबसाइट पे भी या बैंक के कॉल सेंटर में या हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इन अकाउंट्स में मुयसर क्या है? इन अकाउंट्स में हर तरह की लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स मुयसर हैं। उसमें यह है कि आप अकाउंट को किसी भी लेजिटिमेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इस अकाउंट में मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मुयसर हैं। और फिर जो अकाउंट्स में फंड्स मुयसर हैं, वो फंड्स आप बगैर किसी हैसल के, बगैर किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट के, आप वापस पाकिस्तान से बाहर ले जा सकते हैं। अभी इस इनिशिएटिव में पाकिस्तान में स्टेट बैंक के साथ ये 8 बैंक्स ऐसे हैं जो ये अकाउंट्स की फैसिलिटी मुहैया कर रहे हैं। उनमें बैंक अल्फला है, फैसल बैंक है, मीज़ान बैंक है, MCB बैंक है, सांबा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हबीब बैंक लिमिटेड है और UBL है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बैंक भी इस काविश का हिस्सा बनते जाएंगे, लेकिन इनिशियली इन बैंक्स को हमने, चूंकि इनका एक बैक एंड पे प्लेटफॉर्म बनवाना और फिर इनके साथ बाकी सारी चीज़ों का निज़ाम तैयार करना, तो हमने इन 8 बैंक्स के साथ वो निज़ाम तैयार करके इन अकाउंट्स को मुतारफ कराया।
अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में क्या है, आप जब बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बैंक की वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसमें आप अपनी अपनी जाती इन्फॉर्मेशन और अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अपने CNIC या NAIC या POC नंबर, पासपोर्ट नंबर, या आप अपना बाकी घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह देंगे। अगर आपका ताल्लुक US की ज्यूरिस्डिक्शन या यूरोपियन यूनियन की ज्यूरिस्डिक्शन से है तो आपको कहीं फाटका या CRS का एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आपने अपना प्रूफ ऑफ बिजनेस देना है और आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है। और इसके अलावा अगर आपके पास अभी मौजूदा कोई अकाउंट है तो आप वो अकाउंट भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट एज सच नहीं है खुदा नखास्ता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये अकाउंट खोल नहीं सकते। यू कैन स्टिल ओपन दिस अकाउंट, बट अगर अकाउंट होगा तो आपके लिए आसानी होगी कि आप फंड्स इसमें फीड कर सकेंगे इस अकाउंट में, और सब्सिक्वेंटली इस अकाउंट से फंड्स विड्रॉ भी आसानी से कर सकते हैं आप। फिर इसमें अब जो इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वेबसाइट पे जाके बैंक की, उन डॉक्यूमेंट्स में आपके NIC की स्कैन कॉपी है, आपके पासपोर्ट की कॉपीज हैं, आपका NRP स्टेटस अगर आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है वो है, आपका प्रोफेशन का सबूत है कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है, और इसकी एक लिस्ट हमने बैंक को दी है जिसमें प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, चाहे आप अपना एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट दे दें, सैलरी स्लिप दे दें, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दे दें, इस तरह की और बहुत सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने बैंक को कहा हुआ, और बैंक की वेबसाइट पर ये लिस्ट मुयस्सर है। इसके अलावा आपको अपनी एक लाइव फोटो वहाँ पे वेबसाइट पर कैप्चर करके अपलोड करनी है, और फिर आप अपने सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर हम प्रेफर करते हैं कि आप डिजिटल सिग्नेचर दें, अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो बैंक्स को हमने ये सहूलत भी या गुंजाइश भी दी है कि वो अल्टरनेट ऑथेंटिकेशन मेथड्स यूज़ कर सकें टू इंश्योर कि कल को ये आपके साथ कोई फ्रॉड का एलिमेंट या फ्रॉड का रिस्क आप उसका शिकार ना हो या उसका सामना ना करना पड़े आपको। तो बैंक को जो ये इंफॉर्मेशन चाहिए और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली आप ही की सिक्योरिटी और सेफ्टी के परस्पेक्टिव से भी हैं और कुछ आपको जानने के हवाले से हैं कि आप का अकाउंट ताकि वो प्रॉपरली आपकी जो सहूलत है उसके मुताबिक आपको उसमें फैसिलिटेशन दे सके। अच्छा, इन अकाउंट्स में जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में आप हर तरह के लोकल बिल पाकिस्तान में पे कर सकते हैं, उसके अलावा आप घरों में अगर कोई चीज़ खरीद के भेजना चाहें थ्रू एनी ई कॉमर्स पोर्टल आप वो पेमेंट कर सकते हैं, और आपको बैंक्स ATM और डेबिट कार्ड्स भी इशू करेंगे, और आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड्स भी इशू कर सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको वो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, ATM आप बैरून मुल्क भी कैश विड्रा कर सकते हैं, और लोकली जब पाकिस्तान आते हैं तो उसमें से आप पाकिस्तान में भी कैश विड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा इन अकाउंट्स के जरिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में तीन बुनियादी इन्वेस्टमेंट के मोड्स इस वक्त मुयस्सर हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें एक इन्वेस्टमेंट आपकी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटीज है उनमें आप कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अभी कन्वेंशनल मोड में मुयस्सर है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये शरिया बेस्ड मोड में मुयस्सर होंगे, और ये सर्टिफिकेट्स इस वक्त US डॉलर डिनोमिनेशन में मुयस्सर हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान रुपये डिनोमिनेशन में मुयस्सर हैं, और इनमें बड़े अच्छे रिटर्न्स दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त, तो रिटर्न्स का हम थोड़ा सा आगे तस्करा करेंगे। इसके अलावा आप स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू दीज अकाउंट्स। आप एक इक्विटी ब्रोकर का अकाउंट खोलेंगे थ्रू सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, और फिर आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट के इसमें मौके मुयस्सर होंगे। और इसके अलावा आप इसमें प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। इन अकाउंट्स के जरिए फंड्स आप रिमिट करके और फिर उन फंड्स को आप आगे ऑनवर्ड जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको इन अकाउंट्स के जरिए जब आप फंड्स की पेमेंट करेंगे तो आपको ये सहूलत भी मुयस्सर होगी। और इन सारी जो फैसिलिटेशन है जो आप इसमें फंड्स लेके आ रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें से, जो इस्तेमाल कर लिया वो तो आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट आपकी जब लिक्विडेट होती है या जब आप डिसइन्वेस्ट करते हैं उसे, तो वो फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आप बायर वापस भी ले जा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी तफसीलात में आगे भी मजीद शेयर करूंगा। अच्छा, थोड़ा सा तस्कर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी लॉन्च किया है, तो एक तो ये खसूसी तौर पर लॉन्च किया गया है फॉर दिस इनिशिएटिव रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से, और इसमें US डॉलर और PKR डिनोमिनेटेड है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे स्टेट बैंक इन सर्टिफिकेट्स को मैनेज कर रहा है या एडमिनिस्टर कर रहा है। आप बैंक से जब सर्टिफिकेट खरीदते हैं तो बैंक आपके फंड स्टेट बैंक को आगे मुयस्सर करता है, और स्टेट बैंक आपका सर्टिफिकेट बैंक को दे देता है, और फिर बैंक आपके सर्टिफिकेट आपके अकाउंट में IPS अकाउंट जिसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अकाउंट कहते हैं उसमें शिफ्ट कर देता है। ये सर्टिफिकेट्स आपके लिए 3 माह, 6 माह, 12 माह, 3 साल और 5 साल की मुद्दत में मुयस्सर हैं, लेकिन इनमें अर्ली इनकैशमेंट मुयस्सर है। आप अगर 3 साल का आपने सर्टिफिकेट लिया और आपको 2 साल में ही उसके पैसे लिक्विडेट कराने की जरूरत पड़ गई है तो आप वो लिक्विडेट करवा सकते हैं।
इन सर्टिफिकेट्स पे जो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सर्टिफिकेट्स हैं उनमें प्रॉफिट की शरह जो है 5.5% से लेकर 7% तक है मुख्तलिफ टेन्योर्स में। 3 माह का जो है 5.5% है, इसी तरह 6 माह का 6% है, 12 माह का 6.5% है, 3 साल का 6.75% है और 5 साल का 7% है। और ये सालाना शरह मुनाफा है। इसी तरह पाकिस्तानी रुपये के जो बिल्स हैं उन पे शरह मुनाफा 9.5% से लेकर 11% तक है और ये भी सालाना शरह मुनाफा है। अच्छा, इस पे टैक्स का जो एक प्रोविजन है वो बड़ी सिंपल रखी गई है कि जो प्रॉफिट आपको इस पे मिलेगा उस पे आपको सिर्फ 10% विदहोल्डिंग टैक्स बैंक काटेगा और आपको बाकी प्रॉफिट आपके हवाले कर देगा। इसके अलावा आपको कोई टैक्स इस पे नहीं देना। मसलन अगर आप साल का बिल खरीदते हैं और उस पे 10.5% शरह मुनाफा है और आपने 1000 रुपए का बिल अगर खरीदा है तो आपको 105 रुपया अगर उस पर प्रॉफिट मिलता है तो उस पर आपको फिर 10% टैक्स देना है। तो इसका मतलब है आपको 10.5% टैक्स देना है, बाकी आपको 94.50 रुपए आपका नफा है उस पर। इसी तरह ये इंशाल्लाह अगले, मुझे उम्मीद है कि अगले ही हफ्ते, और अगर अगले हफ्ते नहीं आ पाया तो एक आध हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसमें शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी आ जाएगी इन दोनों बिल्स में जो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है और पीकेआर डिनोमिनेटेड है। और इनकी जो लिक्विडेशन प्रोसीड्स हैं वो आप फुली रिपेट्रिएट कर सकते हैं, यानी बाहर पाकिस्तान से बाहर कहीं भी किसी भी वक्त ले जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स हैं इसमें जो यूएस डॉलर लिंक यूएस डॉलर बॉन्ड्स हैं जो यूएस डॉलर में मुहैया किए गए हैं, ये उन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को भी मुयसर हैं जिन रेजिडेंट पाकिस्तानीज ने अपने असासे अगर उनके बाहर हैं तो वो FBR के साथ डिक्लेयर किए हुए हैं तो वो अपना अकाउंट पाकिस्तान में, चूंकि वो रेजिडेंट है पाकिस्तान के, तो किसी भी इन 8 बैंकों की ब्रांचों में जाके खोल सकते हैं और फिर वो भी ये यूएस डॉलर बॉन्ड खरीद सकते हैं थ्रू दीज अकाउंट्स। इसके अलावा दूसरी इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन मुयसर है वो स्टॉक एक्सचेंज में है। आप स्टॉक्स के लिए इसका एक बड़ा सादा सामने तरीकाकार वजह करवाया है बैंक्स को और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के साथ मिलके। तो आपने अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप बैंक को अपना एक इजाजतनामा देंगे कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन आप सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी यानी CDC के साथ शेयर कर लें, तो फिर CDC आपसे दोबारा अकाउंट खोलने के लिए बाकी तफसीलात नहीं मांगेगा। और CDC ने अपनी वेबसाइट पे फिर कुछ ब्रोकर्स को सिलेक्ट करके रजिस्टर किया हुआ है, तो आप उन ब्रोकर में से कोई एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लेंगे और उस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर उस ब्रोकर की आप या वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं या उस ब्रोकर की ऐप अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके उस ऐप को यूज कर सकते हैं अपनी स्टॉक्स में सेल या परचेज के लिए। और जब आप सेल की रिक्वेस्ट करेंगे तो बैंक आपका अकाउंट डेबिट करके आपके फंड CDC को मुहैया कर देगा। और दूसरी तरफ आप जब अपने ब्रोकर को कहेंगे कि मेरे लिए ये बॉन्ड खरीदें या स्टॉक खरीदे सॉरी, तो वो स्टॉक आपके लिए खरीद के वो भी CDC को बता देगा कि जी हाँ आपके पास इस कस्टमर के पैसे मुयसर हैं, अगर मुयसर हैं तो ये उसके लिए ये डील है स्टॉक की। तो वो दोनों ट्रांजैक्शंस जो दोनों साइड की ट्रांजैक्शंस हैं वो CDC सेटल कर देगा। उसे पता चल जाएगा कि इसके फंड्स भी मुयसर हैं इस ट्रांजेक्शन के लिए और इसके शेयर्स भी मुयसर हैं, तो शेयर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और फंड्स आपके ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें से भी आप फंड्स जो आपका जितने भी सेल प्रोसीड्स हैं आपकी स्टॉक्स में से वो आप रिपेट्रिएट कर सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी रेगुलेटरी अप्रूवल के बगैर। अच्छा, तीसरी इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन मुयसर है वो आपके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी है जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल रियल इस्टेट है। इसमें इस वक्त कुछ बैंक्स बैक एंड पे DHA के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी 1-2 हफ्तों में DHA भी अपनी तरफ से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा मार्केट में। आप उस प्रोडक्ट को अगर आपको वो मुनासिब लगती है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप DHA की वेबसाइट पे जाके अपनी वो उसे ऑप्शन देंगे कि हाँ मुझे ये प्लाट खरीदना है, उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस वगैरह आपके सामने आ जाएगी और फिर आप उस प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट्स जो हैं या उसकी इंस्टॉलमेंट्स या फुल पेमेंट्स आप अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह आप डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन इस खरीदारी के प्रोसेस में आपको वैल्यूएशन देनी है प्रॉपर्टी की जो कि आप बैंक को देंगे कि मैं पाकिस्तान में मसलन अपना कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूँ या कोई घर खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसकी वैल्यूएशन आप बैंक के पास लेके आएंगे और फिर आपका इस अकाउंट में जो पैसे होंगे उस अकाउंट में से पैसे वो जो जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है बैंक उसको फंड्स ट्रांसफर कर देगा और आपको ऑब्वियसली उसकी जो प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट है और जो उसका टाइटल डीड है वो सब्सिक्वेंटली बैंक को उसकी कॉपी मुहैया करनी होगी ताकि बैंक को ये पता चल सके कि हाँ आपने ये फंड्स जो ट्रांसफर किए अगले बंदे को उससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, तो फिर वो प्रॉपर्टी आप सब्सिक्वेंटली उसे
सेल अगर करते हैं तो सेल करके आप उसे वापस भी ले जा सकते हैं, इसके लिए ट्रांजेक्शन दोनों इस अकाउंट के थ्रू रूट होंगी आपकी। अच्छा, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे भी दे सकते हैं, और रेंट की जो इनकम है आप फ्रॉम डे वन उस इनकम को आप अपने इस अकाउंट में वसूल कर सकते हैं, और फिर वो इनकम भी बाहर ले जा सकते हैं, यहाँ यूज करना चाहिए यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको फिर एक दफा प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी है, और वो वैल्यूएशन फिर आपको बैंक को देनी है, और उस वैल्यूएशन के मुताबिक बैंक आपको फिर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है या आपके जो सेल प्रोसीड्स हैं वो सारी आपको बाहर ले जाने दे सकते हैं। इसमें एक छोटा सा हमने कंट्रोल रखा है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी है और 3 साल के अंदर अंदर बेची है, तो आप अगर सेल प्रोसीड्स आपकी आपके जो प्रॉपर्टी के खरीद की कीमत है उससे ज्यादा है, तो 3 साल तक आप सिर्फ वो पैसे लेके जा सकेंगे जो आपकी सेल, जो आपकी प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने पैसे उसमें लगाए थे, और उससे ज्यादा जो अमाउंट है वो 3 साल के बाद आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी बेची ही खरीदने के 3 साल के बाद है तो आप सारे पैसे ले जा सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है आपको। लेकिन जो पैसे आप नहीं ले जा पाएंगे, अगर वो पैसे आपके इन अकाउंट में मुयसर रहेंगे और आप उनको फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और जो ही 3 साल पूरे होंगे आप वो कैपिटल गेन वापस फिर बाहर ले जा सकते हैं। इसमें सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि प्रॉपर्टी की मार्केट कुछ इस तरह हीट अप ना हो कि जो हमारा मुतवसत तबका है वो प्रॉपर्टी खरीदने की उससे बाहर निकल जाए, उसकी पहुंच से प्रॉपर्टीज बाहर निकल जाए। अच्छा, ये तो चीदा वो चीजें थी जो हमने इन्वेस्टमेंट के हवाले से की। इसके अलावा आप इन अकाउंट्स के जरिए अपना आपको बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी मुयसर करेंगे, आपको इसमें डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी मुयसर करेंगे, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और अच्छा क्रेडिट रिस्क है आपका तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड भी दे सकेगा, और आने वाले दिनों में बैंक्स इसमें और प्रोडक्ट्स भी मुहैया करेंगे आपको। अगर आपको कोई क्रेडिट लेना है तो वो आप इन अकाउंट्स के जरिए फिर आप लोकल पाकिस्तान के अंदर कोई अगर कर्ज हासिल करना हो किसी भी अपनी सहूलत के लिए तो आप वो ले पाएंगे बैंकों से। अगर आपको इसमें कोई परेशानी आती है तो हमने बैंकों से ये गुजारिश किया है कि कस्टमर सपोर्ट के लिए एक मुकम्मल निज़ाम वज़ा करें, और उसके तहत आपको बैंक्स अपनी वेबसाइट पे लाइव चैट बॉक्सेस की फैसिलिटी भी मुयसर कर रहे हैं, जिन बैंकों ने अभी तक नहीं की वो भी आने वाले दिनों में कर देंगे। उसके अलावा बैंक्स की हेल्पलाइन और ईमेल भी मुयसर हैं वेबसाइट पे, तो आप अगर कोई आपको दिक्कत पेश आती है तो आप बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं या उन्हें ईमेल कर सकते हैं या लाइव चैट सपोर्ट में अपनी सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। बैंक्स को हमने ये पाबंद किया है कि हमें डेली रिपोर्ट करें मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज ऑफर की जा रही हैं उनमें क्या बढ़ोतरी आई है, कितने अकाउंट खुले हैं, कितना टाइम लग रहा है अकाउंट खुलने में, कितनी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी बैंक ने, तो हम उसको मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी को इसमें दुश्वारियाँ ना हों और उन दुश्वारियों को अजाला किया जा सके। स्टेट बैंक ने अपना भी एक कंप्लेंट सेल मौजूद है, और एक हमने एक ईमेल आईडी भी क्रिएट की है जो हम आपसे शेयर भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। आपको अगर कोई ऐसा इशू आता है जो बैंक से उस आपकी सुनवाई नहीं होती या आपका वो इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप स्टेट बैंक के इस ईमेल एड्रेस पे भी आप इशू रेज कर सकते हैं, और आपको इंशाल्लाह उस पे हम इंशाल्लाह उस कोशिश करेंगे कि उस बैंक के साथ मिलकर आपका वो इशू रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा हम सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करते हैं, और अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पे कोई कमेंट्स देते हैं तो हम उन कमेंट्स को भी देखते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि आप जो मसाइल की वहाँ निशानदेही कर रहे हैं उन मसाइल का हम अजाला कर सकें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब ये पूरा एक निज़ाम हमारा स्टेबल हो जाएगा तो हम इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली मुहैया भी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट पे मुयसर है ये सारी तफसीलात इसकी, हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स यूट्यूब पे हमारा चैनल मौजूद है, फेसबुक पे हमारा पेज है, और ट्विटर हैंडल मौजूद है, उस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं, और हमारे जो वेबसाइट है उस पर ब्रोशर वगैरह भी मुयसर है, वो ब्रोशर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और यहाँ पर थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वेबसाइट के किस लिंक से कैसे आपने जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे फिर रोशन डिजिटल अकाउंट के बाकी टीवी कमर्शियल्स के लिंक्स भी मौजूद हैं, इसी तरह यूट्यूब चैनल के लिंक्स जो यहाँ नीचे नजर आ रहे हैं आपको ये भी मुयसर हैं। और अगर आपने फीडबैक देनी है कोई तो हमारा एक फीडबैक आईडी हमने ईमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है, मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ देता हूँ, rdasupport@sbp.org.pk रोशन डिजिटल अकाउंट support@sbp.org.pk। आपने अगर कोई फीडबैक देनी है या आपका कोई इसमें प्रॉब्लम या दुश्वारी आ रही है तो आप हमारी इस ईमेल आईडी पे हमसे रब्ता करके हम अपना इशू बयान कर सकते हैं, और हमारी
टीम जो है उस पे रोजाना उन इश्यूज को फिर टेकअप करती है इदारों के साथ, जो इदारों ने रिजॉल्व करनी होते हैं, और जहां हमने अगर को हमें क्लैरिटी देनी है पॉलिसी के एंगल से या कोई ऑपरेशनली, तो हम क्लैरिटी मुहैया करते हैं कोर्सेज पाकिस्तानीज को। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं सिर्फ एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि वेबसाइट का लिंक है, ताकि आपको इसकी वो हो जाए कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पे ये कहाँ पड़ा है। जस्ट वन, ये स्टेट बैंक की मेन वेबसाइट पे हम आ गए, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देता हूँ स्क्रीन शेयर के जरिए भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दिस इज आवर होम पेज जी spp.org.pk। और इसमें मेन पेज पे हमने रोशन डिजिटल अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करेंगे तो रोशन डिजिटल अकाउंट का पेज खुल जाएगा, और इसमें नीचे सारी तफसीलात मुयस्सर हैं। फिर इसमें FAQs भी मुयस्सर हैं इस साइट पे, आपको अगर FAQs में कोई सवाल, अगर इससे अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता है इन FAQs के जरिए, तो आप हमसे RDA सपोर्ट पे भी सवाल कर सकते हैं। इस तरह कुछ वीडियोज इस पर पड़ी हुई हैं, कुछ बाकी तफसीलात पड़ी हुई हैं इस पर सारी, और इसी तरह NPCs के हवाले से इस पर कुछ चीज़ें मुयस्सर हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो मुयस्सर हैं, अकाउंट ओपनिंग, और फिर कुछ बैंक्स के लिंक्स भी मुयस्सर हैं, तो आप इन लिंक्स के जरिए भी बैंक्स के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उनके जो रोशन डिजिटल अकाउंट का लिंक है वहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन भी आप वहाँ उनके साथ अपलोड कर सकते हैं। और ये सारा इसमें प्रोसेस दिया गया है जो जो इस पर आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए इसमें सारी तफसीलात दे दी गई हैं जी। तो आपके जो भी सवालात होंगे हम अपने अपने सवालात के लिए भी हाजिर हैं, और इसके अलावा अगर आपका कोई और इशू होगा तो हम बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए यहाँ मतन गोश हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अरशद महमूद भट्टी साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हर स्टेप पे आपने समझाया, और जो आपने ये बहुत अच्छा बताया कि हर करेंसी में आप अकाउंट खोल सकते हैं, इसका बड़ा फायदा है, और धर्म में भी खोल सकते हैं जो हमारी यहाँ की करेंसी है, और आपने ये भी बताया कि 48 घंटे में खुल सकता है अकाउंट, क्योंकि वाकई बैंक अकाउंट खोलना, अभी मैं ये एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी महीना हो गया, अभी अभी डिटेल ही मांग रहे हैं वो लोग, और तकरीबन 8 बैंक अकाउंटों में खोल सकते हैं, इंशाल्लाह और भी आप ऐड कर देंगे। और नया पाकिस्तान की जो स्पेशल सर्टिफिकेट माशाल्लाह तो बहुत अच्छा रिटर्न है, डॉलर में भी और पाक रुपये में इतना तो रिटर्न कोई नहीं देता। आई थिंक इट इज बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई एम श्योर शरिया कंप्लाइंट आप जल्दी कर देंगे। आपने जो 3 इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए CDC का वो बहुत अच्छा है, हम इसके लिए प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं CDC से मिलकर, हमने काफ़ी एग्रीमेंट्स किए, तो इंशाल्लाह इसके बाद उनके साथ मिलकर ताकि लोगों को पता चले। प्रॉपर्टी का आपने बहुत अच्छा ये कानून रखा कि 3 साल तक आप उसको नहीं, ताकि कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं हो, ये बहुत अच्छा आपने चेक बैलेंस किया, और आपने वेबसाइट भी बता दी। आई एम श्योर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले जनाब जुल्फकार खोखर साहब आ जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी डील करेंगे, फिर मैं क्लोजिंग करूँगा। और मैं नाउ आई एम वेलकम मिस्टर जुल्फकार खोखर, हु इज हेड ऑफ पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बाय SPP पाकिस्तान टू प्रमोट वर्कर रेमिटेंस। वेलकम जनाब जुल्फकार खोखर साहब, वेलकम टू द वेबिनार। थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू टू गोंदल साहब, पाकिस्तान एम्बेसी। जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? नजर आ रही है जी। थैंक यू जी, बहुत जी, थैंक यू अगेन डॉक्टर साहब एंड पाकिस्तान एम्बेसी। ये प्रोग्रामों की का सिलसिला हम दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में कर रहे हैं, हमने USA से स्टार्ट किया है, यूरोप में भी किए हैं, साउथ अफ्रीका में भी किए हैं, और मिडिल ईस्ट में ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और मिडिल ईस्ट के और भी मुल्कों में हम जाएंगे, और इसी तरह दुनिया के जो जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उन सब की आगाही के लिए ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जो होम रेमिटेंसेस की साइट पे चीदा चीज़ें अभी हम आपके सामने रखेंगे कि होम रेमिटेंसेस क्या होती है, कौन से उसके प्लेयर्स हैं, और क्या फवायद पाकिस्तानियों को हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने दिया है, और फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं। होम रेमिटेंसेज प्राइमरली हम कहते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर से रेमिटेंसेज आती हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती हैं,
ये मोस्टली फैमिली मेंटेनेंस के लिए आती हैं या बुनियादी जरूरियात के लिए होती हैं जो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को भेजते हैं। इसका उसके फायदे होते हैं काफ़ी, मुल्क को उसके फायदे होते हैं, उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ती है, उससे पावर्टी में कमी आती है। सबसे बड़ी अहमियत रिमिटेंसेस की ये है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जो हमारा खसारा होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसमें रिमिटेंसेस बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। जो पाकिस्तानी आप लोग यहाँ रिमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान जो पिछले साल भेजी थी वो बिल्कुल उसने जो हमारा तजारती खसारा था उसको पूरा किया था, कि जितना हमारा डिफरेंस था $23 अरब का, तकरीबन उतनी 23 अरब हमारी रिमिटेंसेस आई। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और ये जो नंबर्स हैं हमारे अगले जो 3 महीने गुजरे हैं जून के बाद, ये नंबर तो मैं आपको फुल ईयर जून के दे रहा हूँ, उसमें भी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। $2 अरब से ज़्यादा रिमिटेंसेस फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान को आ रही हैं गुज़श्ता हर 3 महीनों में, और उससे पहले जून के महीने में भी, तो 4 महीनों से लगातार $2 अरब से ऊपर की रिमिटेंस आप लोग भेज रहे हैं पाकिस्तान, तो हम उसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं। रिमिटेंसेस के बढ़ाने के लिए ये बुनियादी इदारे हैं जो काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक है, पाकिस्तान रिमिटेंसेस इनिशिएटिव है, बैंक्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक्सचेंज कंपनीज जिनको स्टेट बैंक ने लाइसेंस दिया हुआ है, ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके रिटेल स्टोर से बैंकिंग की सहूलियात मुहैया करते हैं, और पाकिस्तान पोस्ट के भी तकरीबन 350 से 500 मुख्तलिफ ब्रांचेस भी अब रिमिटेंसेस में काम कर रही हैं। पाकिस्तान से बाहर सबसे बुनियादी किरदार आप लोगों का है जो पाकिस्तान को रिमिटेंस भेजते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी कौंसलेट्स का बहुत अहम किरदार है, और उसके अलावा जो बाकी पाकिस्तानी फोरम्स हैं करते हैं, जो बाहर मनी ट्रांसफ़र कंपनीज होती हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, और जो पाकिस्तानी बैंक्स बाहर मुल्कों में काम करते हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान रिमिटेंसेस इनिशिएटिव 2009 से काम कर रहा है स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलकर, तो कुछ 26 बैंक्स हैं और माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो इस सिलसिले में काम करती हैं, को 12 ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर्स हैं, 17 एक्सचेंज कंपनियां हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, और 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंट टाइप्स जो रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तानी इदारों की जिसके थ्रू रिमिटेंस आती हैं, 25 मुल्कों में डायरेक्टली है, और बाकी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो सारी दुनिया में काम करते हैं तो वो सारी दुनिया से उनके कनेक्शंस बन जाते हैं। जो फवायद रिमिटेंस के लिए हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखे हुए हैं उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान में 87% रिमिटेंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, और उसका ख़र्चा जो है हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है। और शुरू में जो नंबर्स इरफान साहब ने बताए हैं, अब जो नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मद में सहूलत फराहम कर रही है वो उससे भी काफ़ी आगे जा चुके हैं। जो दूसरा पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हुई थी कि पाकिस्तान रिमिटेंस जो है हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान के हर इलाके में और छोटे इलाकों में भी आते हैं, तो कैश ओवर द काउंटर की फैसिलिटी मुहैया की गई थी बैंक्स के थ्रू और एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हर पाकिस्तानी अब बड़ी आसानी से बैंक में जाएगा, भले उसका अकाउंट ना भी हो तो वो अपनी रिमिटेंसेस ले सकता है। हमारी कोशिश तो है कि पाकिस्तानियों के ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलें, लेकिन ये भी एक बड़ी सहूलत है कि अगर अकाउंट ना भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका ये है कि आज भी 70% जो पाकिस्तानी हैं वो काउंटर पर जाके अपनी रेमिटेंसेस खुद विदाउट एनी अकाउंट रिक्वायरमेंट वो कलेक्ट कर लेते हैं। हम आप सबको इनक्रेज करते हैं कि आप अपने अकाउंट्स खुलवाएं ताकि बगैर किसी दिक्कत के और बगैर किसी टाइम के आपके अकाउंट्स में आ जाए। एक और बड़ी सहूलत पाकिस्तान में है, उसको हम कहते हैं एम वॉलेट, मोबाइल वॉलेट। ये वो वॉलेट, ये वो बटवा है जो बेसिकली एक बैंक अकाउंट है जो पाकिस्तान के 12 बैंक्स हैं जिनको स्टेट बैंक का लाइसेंस है वो ये ऑफर करते हैं, और ये अपने अपने मोबाइल अकाउंट से आप घर बैठे भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें सहूलत ये है कि जितनी रिमिटेंस आप अपने मोबाइल अकाउंट में मंगवाएंगे अगर $1 के बराबर आपकी रिमिटेंस आएंगी तो 2 पाकिस्तानी रुपीज का एयर टाइम आपके अकाउंट में आएगा। तो पहली तो वो चीज़ भी है कि आप फ्री में भेज सकते हैं और अपने मोबाइल अकाउंट्स में भेजेंगे तो आपको एयर टाइम भी मिलेगा। SMS की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, सेंडर जो पैसे भेजता है उसकी तरफ भी और जो पैसे जिसको मौसूल होते हैं उन दोनों को SMS जाती है जहां जहां ये सहूलत मौजूद है। हमने बैंक्स के ऊपर एक कानून लागू किया हुआ है कि उन पे लाजम है कि वो जैसे ही उनके पास पैसे आए तो जो अकाउंट में उन्होंने देने होते हैं वो उसी वक्त उनके
जिनके जिन जो 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 बेनिफिशियरी हैं जिनके नाम पे पैसे आए हुए हैं उनके अकाउंट्स में चले जाएं, और अगर अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है पाकिस्तान के तो भी 24 घंटे के अंदर चला जाए। तो ये एक और अहम सहूलत है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि आपका अकाउंट पाकिस्तान के किसी भी बैंक में हो और जब आप पैसे भेजते हैं किसी भी मनी ट्रांसफर कंपनी के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो भले उस मनी ट्रांसफर कंपनी का या बैंक का उस बैंक में डायरेक्ट उसका ताल्लुक चाहे एक बैंक से हो, लेकिन अब वो बैंक मजाज है कि आपका पाकिस्तान में जिस भी बैंक में अकाउंट होगा वो आपको पैसे भेज देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। हमने एक और सहूलत बैंक्स और एक्सचेंज कंपनीज को दी हुई है जिसकी वजह से वो आपको और सहूलियात देते हैं। वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, वो इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च करते हैं जिसमें कभी कभार आपको बहुत सी वो स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं जिसके तहत आपको कार, आपको उम्रे, आपके हज के टिकट्स निकलते हैं, इसके अलावा भी इनामात होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिमिटेंसेस भेजें और इन इनामात का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये स्कीम्स भी मुहैया हैं आपके पास। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत नौजवान लोग हैं आईटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अब हमने पीआरआई का मोड खोल दिया है कि अब वो जो मनी ट्रांसफर कंपनियों के थ्रू पैसे पाकिस्तान में भेज सकते हैं। प्रोसीड रियलाइजेशन एक बड़ा अहम पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट है कि जो भी रेमिटेंसेज पाकिस्तान में आती हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, और ये प्रोसीड से मुराद है जो पैसा आपका आता है जो रियलाइज होता है वो आप अपना सर्टिफिकेट टैक्स में दिखा सकते हैं, अपने रिटर्न में दिखा सकते हैं, और आप पे कोई टैक्स नहीं है, और ये आपकी कानूनी पैसा होता है, ये आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस कार्ड भी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन इशू करती है, उसमें काफ़ी सहूलियात हैं। जो पैसे पाकिस्तान को लोग भेजते हैं उनके बच्चों को जो पाकिस्तान में सहूलियात मिलती हैं, स्कूल्स में कुछ उनकी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, तो ये फ़वाद आपको मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों की सहूलियत के लिए एक पीआरआई ने अपना इन हाउस कॉल सेंटर है जिसमें आप ऑफिस टाइम्स के अंदर फोन कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, और बैंक्स ने भी अपने कॉल सेंटर में रखे हुए हैं। इन सारी मेहनतों का नतीजा ये है कि हम गुज़श्ता 10 सालों में $11 अरब से आज हम $23 अरब को पहुंच चुके हैं और हम हर साल आगे ही जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या हम जैसे ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर फिलिपाइन, बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया, तो गुज़श्ता 10 सालों में उनके यहाँ रिमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, लेकिन उसके बढ़ोतरी का जो तखमीना है वो 5 से 6% है, जबकि पाकिस्तान में रिमिटेंसेस जो हैं 10% से ज़्यादा बढ़ी हैं। और ये इन सारी मेहनत का और आप लोगों की उसमें सपोर्ट शामिल होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर, जो सबसे ज़्यादा रिमिटेंस पाकिस्तान में आती हैं वो आप ही के इलाके से आती हैं। 29% सऊदी अरेबिया भेजता है पाकिस्तान में रिमिटेंस, 24% जो है आपके मुल्क से आती हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, और उसके बाद जो बाकी जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनसे 13% आती है। तो ऑल इन ऑल आप 50% से ज़्यादा जो रिमिटेंस पाकिस्तान को सिर्फ आपके इलाकों से आती हैं। उसके बाद यूके में बहुत बड़ा पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, उसका शेयर है, फिर यूएसए है, और फिर बाकी ममालिक उसमें आ जाते हैं। तो यूएई का खास तौर पे बहुत कलीदी किरदार है पाकिस्तान की रेमिटेंस में, 1/4 रेमिटेंस पाकिस्तान की यूएई से आ रही है, और ये नंबर्स भी हर साल आहिस्ता आहिस्ता करके आगे ही बढ़े हैं। कुछ सालों में वो स्टैटिक चल रहे थे और अब पिछले साल से वो उसमें थोड़ी सी और तेजी आई है, तो रेमिटेंस भी आप लोगों की तरफ से और पाकिस्तान में बढ़ रही है। जो पीआरआई मोड है उसकी सहूलियत, जो सबसे अहम सहूलियत ये है कि ये आसान मोड होता है, आप किसी भी मनी ट्रांसफर कंपनी के पास चले जाते हैं और वो आपको इंस्टेंटली पैसे भेज, उसकी वजह से आपको रिसीव हो जाते हैं। जबकि जो बैंक का मोड है वो स्विफ्ट का मोड होता है, वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है और उसमें टाइम भी लग जाता है अगर टाइम जोन का डिफरेंस हो। पाकिस्तान यूएई में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक टू बैंक जो है वो काफ़ी स्विफ्ट वाला मोड महंगा होता है। हमने पीआरआई मोड यूएई में और सऊदी अरेबिया में बैंक्स के साथ भी कर लिया है ताकि आपको विदाउट स्विफ्ट भी पाकिस्तान में तेजी के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट आ सके। ये आपके सामने में एक शीट है, इसकी पूरी डिटेल्स हमने एक अलग से एम्बेसी को हमने दे दी है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं बाद में भी अभी भी, कि ये कोई 50 के करीब मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ मनी ट्रांसफर ऑपरेटर कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल काम करती हैं, बैंक्स हैं,
जो दुबई के बैंक्स, यूएई के बैंक्स हैं और पाकिस्तानी बैंक्स भी इसमें हैं। ये पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे रेमिटेंस आती है, ये तकरीबन लगभग आपके सामने शीट है को 50 के करीब है। उसके अलावा ऑनलाइन भी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया की तरह यूएई से भी पाकिस्तान को पैसे भेज सकती हैं, और कुछ कंपनियां जो ग्लोबल कंपनियां हैं वो भी यूएई से काम करती हैं और वो पाकिस्तान में एक्सचेंज कंपनियों को भी पैसे भेज सकती हैं। और जो ऊपर वाली बड़ी लिस्ट है ये दोनों बैंक ये सिर्फ बैंक्स के थ्रू पैसे भेज सकती हैं। जो 12 ब्रांचलेस ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, ये भी उस एक सफा जो हम आपके साथ अलग से एम्बेसी को दिया हुआ है वो शेयर कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के सारे बड़े बैंक्स हैं उनके अपने ब्रांचलेस सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आप मोबाइल की के थ्रू भी अपने अकाउंट खोल सकते हैं मोबाइल फोन के थ्रू, और आप जो रिटेल आउटलेट्स हैं दुकानों से या बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं जिनमें ये सहूलत मौजूद है वहाँ भी आप अपनी रेमिटेंसेस भी रिसीव कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और इस सहूलत से जो 2 रुपये एयर टाइम है उसका भी इस्तेफादा कर सकते हैं। मुस्तकबिल में कुछ अहम चीज़ें हम करने जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल इंगेजमेंट, आप सब जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया शुरू में, हम दुनिया के हर खित्ते में जा रहे हैं। पाकिस्तानियों से ये बड़ी सहूलत अब ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से आ गई है, उसकी वजह से हम आसानी के साथ कर पा रहे हैं। एक नेशनल रेमिटेंसेस लॉयल्टी प्रोग्राम कंसीव हो रहा है जिसके तहत आप जो भी रेमिटेंस पाकिस्तान को भेजेंगे वो एक जगह इकट्ठी होगी और आपके पॉइंट्स बनेंगे, और उन पॉइंट्स से जिस तरह क्रेडिट कार्ड में आपको मुख्तलिफ सहूलियात दी जाती हैं आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से वो सहूलियात हासिल कर सकेंगे। तो ये हम कंसीव प्रोग्राम कर रहे हैं। एक रिसर्च स्टडी बड़ी डिटेल्ड होनी है जिसमें हम एम्बेसी को भी टच में आएंगे, पाकिस्तान यूएई एम्बेसी, और फिर हम पाकिस्तानियों के साथ भी मिलेंगे ताकि हम और फर्दर आप लोगों के साथ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो और उसकी बना पे और कोई मजीद सहूलियात या मजीद प्रोडक्ट्स हम आपको दे सकें। नॉन ट्रेडिशनल कॉरिडोर्स पे हमारा ध्यान है, जिस तरह अभी आपके सामने मैंने बताया कि 50% रेमिटेंस तो सिर्फ एक खित्ते से आ रही हैं, पाकिस्तानी माशाल्लाह दुनिया के हर खित्ते में हैं, तो हम बाकी खित्तों पे भी अटेंशन दे रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का खास तौर पे फ्यूचर में हमारा थर्स्ट होगा कि पूरी दुनिया में अब ऐसी टेक्नोलॉजी हम सब ने यूज़ की हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने अकाउंट से, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दुनिया के किसी खित्ते में भी भेज सकता हूँ। तो ये हम चाहते हैं कि सहूलत आप लोगों के पास भी आ जाए, और इसी तरह आप अपने, सिर्फ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल फोन पे बैठ के आप अपने घर वालों को पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में पैसे भेज दें। तो इस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं फर्दर। ये कॉल सेंटर के हमारे नंबर हैं, वो बड़ा आसान नंबर है 111-SVP-PRI 111-727-774। और ये सारे नंबर्स और चीज़ें भी हम एक जो वन पेजर है वो एम्बेसी के साथ शेयर कर चुके हैं, जो आप ले सकते हैं किसी वक्त। ये शुक्रिया मेरी तरफ से, ओवर टू डॉक्टर साहब। रास्ते बताएं कि कैसे पैसे भेज सकते हैं पाकिस्तान और कितनी आसानी है भेजने में। माशाल्लाह मोबाइल वॉलेट के बारे में बताया और अपने सारे एक्सचेंज कंपनी के बारे में बताया, बैंक के बारे में बताया, और ये भी बताया कि और भी तरीके से आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी एनालिसिस की। जो मैंने पहले भी बात करी थी कि आपने जो बताया कि यूएई जो है 24% तकरीबन लिमिट करता है, इन वे जीसीसी कंट्री 66%
just tell them. I'm so sorry for the glitch. I think there's some Wi-Fi, some glitches there. So sorry. May I again, I hope everyone is listening. तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नोट पे आई थिंक आइंदा साल में जैसे हुकूमत काम कर रही है और यही आइंदा भी होता रहेगा और इंशाल्लाह सरप्लस आएगी. मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अपनी क्लोजिंग में. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान एम्बेसी का, स्पेशली इम्तियाज गोंदल साहब तशरीफ लाए और उन्होंने एड्रेस किया. फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद इरफान अली साहब का, अरशद महमूद भट्टी साहब का और जुल्फकार खोकर साहब का, जिन्होंने इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं जिससे अवेयरनेस हुई सारे पाकिस्तानियों को जिसने ये बात सुनी है. मैं थोड़ा सी बात और बढ़ाता चलूं कि पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल जो यहाँ 2004 में बनी हो, जब से हम लोग काम कर रहे हैं इम्प्रूविंग इन द एज ए प्लेटफॉर्म विद पाकिस्तान एम्बेसी टू वर्क टूगेदर, और हमने काफ़ी एग्रीमेंट्स किए बिटवीन सीडीसी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड कराची चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर टुगेदर विद यूएई. इसी लाइन में जो आपने कदम उठाया है, अब हमने जैसे मैं अपने बताया है सीडीसी से हम अभी प्रोग्राम करेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, इन दोनों से बहुत ही करीबी रवायत है, रवाबित है हमारे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज से, तो हम ज़्यादा ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे इस सिलसिले में और आगे इस चीज़ को बढ़ाएंगे. अभी जैसे आपसे बातचीत हो रही है, मेरे पास मैसेज आया है कुवैत से कि वो चाहते हैं सज्जाद हैदर साहब जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वहाँ कोई सिमिलर प्रोग्राम करें, तो मैं आपका कॉन्टैक्ट भिजवा दूंगा उनको, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप वहाँ भी अटेंड कर लें, क्योंकि हमारा मेजर 66% हमारा शेयर है इस इलाके का. तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे पहले सैयद इरफान साहब ने कहा था वो यहाँ आ चुके हैं, मैं दोबारा इनविटेशन देता हूँ, आप सबको इनविटेशन देता हूँ कि प्लीज़ आप तशरीफ लाएँ यहाँ, ये कोविड का मामला ख़त्म हो तो फिर आप आइए. फिर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, एम्बेसी, दुबई का काउंसलेट, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है दुबई का काउंसिल. उन्होंने यहाँ जो कोविड 19 की वजह से तकरीबन हमारे 100,000 लोग पाकिस्तान गए हैं, वो आसान नहीं था इनको हैंडल करना और भेजना. ये क्रेडिट जाता है सारा एम्बेसी को और कॉन्सुलेट का. और फिर मैंने सजेस्ट किया था वहाँ के ओपीएफ इनको देखे और जो वापस आए हैं, जो आपका रिसोर्स है, उनको ट्रेनिंग दे और उनको आगे बढ़ाए ताकि वो वापस यहाँ के यहाँ वापस फॉरेन करेंसी अर्न करें या अपने मुल्क में ही अच्छा काम करें. क्योंकि ये चीज़ आप देखने वाली बात है कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अनपैरेलली डेवलप हुआ है और हमारे ब्रदरली रिलेशन है पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स से, वो प्रायोरिटी देते हैं हर पाकिस्तानी को यहाँ हर चीज़ में. हम बहुत शुक्रगुजार हैं को इतना केयर करते हैं पाकिस्तानियों का, जो कि इन कंपेरिजन में उनकी की बहुत मोहब्बत है. हालांकि पाकिस्तानियों ने भी शुरू से जब ये बना 71 से जब से खिदमत करें और आज ये एक मॉडल बन गया है. मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान कम्युनिटी को, पाकिस्तानियों को, कि भाई इन्हीं की राह पे चलें, सारी चीज इस हिसाब से करें. और अभी हुकूमत बहुत अच्छी हुकूमत है जो कि हर रोज नए कानून बनाती, नया प्लान बनाती, हमें इस हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और सारी हुकूमत के सारी मिनिस्ट्रियों में और सारे डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी अप्लाई होनी चाहिए. ये पुराना निज़ाम को इसको किसी तरह निजात दिलाएं ताकि आपकी सही इनकम आ सके. अगर टेक्नोलॉजी वहाँ आ जाएगी सारी मिनिस्ट्रियों में, जैसे स्टेट बैंक पाकिस्तान ने ये रिमिटेंस के लिए किया है, मैं चाहता हूँ सारे मिनिस्ट्रीज में यही हो, डिजिटल मनी डिजिटल के तरीके से काम हो. और एक और चीज़ जो मैंने इम्तियाज गुंदल साहब को लास्ट मीटिंग में कही है कि पाकिस्तान एम्बेसी जहाँ जहाँ हो, काउंसिल खाने जहाँ जहाँ हो, वो बिजनेस हाउस होने चाहिए. वो पुराना निज़ाम ख़त्म होना चाहिए. उनको टारगेट देनी चाहिए कि भाई यू हैव टू डू ब्रिंग द बिजनेस टू पाकिस्तान और हमारी एक्सपोर्ट जो अभी 23-24 बिलियन है ये बढ़नी चाहिए, ये स्टैटिक हुई भी है. तो इसके साथ ही मैं क्लोज करना चाहता हूँ. कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि बहुत से आंसर आपने जवाब दे दिए हैं और कुछ मैं पूछना चाहता हूँ. इम्तियाज गोंदल साहब कुछ कहना चाहते हैं तो योर स्टेटमेंट. डॉक्टर साहब टू थिंग्स, फर्स्ट तो यही मैं कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन आंसर्स ले लें अगर कोई लेफ्ट ओवर है
हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की। अगर कोई भी क्वेश्चंस रहते हो तो तीनों हमारे पैनलिस्ट आर स्टिल हियर, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सके। एंड देन आई विल आल्सो लाइक टू से एट द एंड फॉर 1 मिनट मोस्टली उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिए ऑलरेडी। अगर इज देयर एनी मोर क्वेश्चन देयर खोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं आपके। एक ही बैंक में फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी अकाउंट भी खोला जा सकता है। Is there any rate of return in these accounts or it is just a current account? Banks ये करंट और सेविंग दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं और कुछ बैंक्स इसमें गोइंग फॉरवर्ड टर्म डिपॉजिट्स भी देंगे, तो वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करेगा। तो वो अप फ्रंट बेसिकली चूंकि वो बैंक्स ने डिटरमिन करना है कि किस मोड में आप उनको अकाउंट दे रहे हैं, तो रिटर्न भी वो आपको बता देंगे किस कितना कुछ रिटर्न है, और हर बैंक के अपने रेट ऑफ रिटर्न है डिफरेंट। अगर बड़ी पब्लिक डिमांड है खोकर साहब की और भट्टी साहब आपकी जो प्रेजेंटेशन है, अगर वो हम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की या और पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी की वेबसाइट पे इफ यू अलाउ और इफ यू कैन शेयर, यहाँ पे काफी सारे जो क्वेश्चन है जो पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको अगर शेयर किया जा सके। गोंदल साहब बिल्कुल हम शेयर कर लेंगे, हमारी जो कॉन्टैक्ट पर्सन है मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, मैम साइमा का और बाकी जो साथी जिन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है फ्रॉम पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल आल्सो, जो भी वहाँ पे साथी थे और जो पाकिस्तान के सफारत खाने में जितने साथी थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा, और ये दोनों प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर लेंगे। गोंदल साहब सैयद फाइनली है कांडी, अगर आप इजाजत दें तो मैं दो तीन चीजें क्लैरिफाई कर दूं। मैंने काफी क्वेश्चंस के जवाब दिए जो लाइव आ रहे थे, बट आई थिंक उसमें कुछ तशनगी रह गई, बट मैं सोच रहा था कि जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। एक तो देखें, जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, और जब जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं कानून के मुताबिक उनके हकूक फर्क हैं उन पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट आप खोल रहे हैं, ये आप एज नॉन रेजिडेंट्स खोल रहे हैं पाकिस्तान में डिजिटली, जिसमें आपको जो आपका जो सबसे बड़ा जो जो आपकी राइट है वो ये है कि ये पैसे रिपैट्रेबल हैं, आप जब चाहें ये पैसे जिस मुल्क से भी आपने पैसे भेजे ले जाएं, आप दुबई में बैठे हैं तो पैसे वापस ले जाएं, आप लंदन बैठे हैं जाएं, अमेरिका बैठे हैं, कहीं भी ये रिपैट्रेबल हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा, ये इसकी खास बात है। हाउएवर अगर आप दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली तो ये हक खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमारे गोंदल साहब हैं ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, यू नो ही वर्क्स फॉर पाकिस्तान एम्बेसी, अब ये वहाँ के हकूक रखते हैं, पर जैसे ये फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तान में पोस्ट होंगे तो फिर ये रेजिडेंट पाकिस्तानी होंगे और उनके पास वो हकूक नहीं होंगे, ये जहाँ चाहें पैसे भेजें नहीं भेज सकेंगे, मैं भी नहीं भेज सकता, अरशद भट्टी साहब भी नहीं भेज सकते और डॉक्टर अनीस भी होंगे वर्तमान में, तो पैसे नहीं भेज सकेंगे सिवाय उनके जो जो अकाउंट्स जिनमें इजाजत दी जाती है कि ये रिपैट्रिएबल हैं अकाउंट। अर्शद भट्टी साहब कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, प्लीज भट्टी साहब। सर मैं इसमें जो क्वेश्चन आया था चैट पे उस पर मैंने यही रिस्पॉन्स दिया है कि जो अकाउंट आपका आज आरडीए के तौर पर खुलेगा वो फ्यूचर में आरडीए ही रहेगा, लेकिन जब आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हो जाएंगे, पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो जाएंगे, इस अकाउंट को आपकी चॉइस है, आप इस अकाउंट को आरडीए के तौर पे चलाना चाहते हैं तो आप चलाएं, आप इसके लिए जितने फंड्स उस वक्त तक मुयस्सर होंगे उसमें से दोज आर रिपैट्रिएबल, वो आप बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से इस अकाउंट में पैसे आप नहीं जमा करा सकेंगे, उसके लिए आपको एक नया रेजिडेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो फिर रेजिडेंट अकाउंट यूज करें। लेकिन ये जो आरडीए अकाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए आप यूज लाजमी कर सकेंगे, डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, उससे विड्रॉल कर सकते हैं, उससे खर्चे सारे कर सकते हैं, उसके बैलेंसेस बाहर भी भेज सकते हैं, तो
हम एक वादा जो आपसे कर रहे हैं कि आपका आरडीए अकाउंट है खुला रिपेट्रिएबल बेसिस पे है, वो रिपेट्रिएबल तब तक रहेगा जब तक आपके पास इसमें फंड्स मुयस्सर हैं, लेकिन जब इसमें फंड्स खत्म हो जाते हैं और आप पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं और आप ये अकाउंट बंद करना चाहते हैं या इस अकाउंट के सारे पैसे उठा के रेजिडेंट अकाउंट में शिफ्ट करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस होगी, वो कंपल्शन नहीं होगी। जवाब आपने दिया ये, क्योंकि एक सवाल आया है कि जैसे ग्रेचुटी, एक अपनी ग्रेचुटी से सपोजिंग उसकी जॉब खत्म होती है तो वो बैंक अकाउंट में जमा कर देगा डॉलर में या दिरहम में जिसमें, और वो पाकिस्तान चला जाता है, वो नहीं चाहता है कि वो अपना धर्म अकाउंट को डिस्टर्ब करे पड़ा रहे, तो आई डोंट थिंक सो कोई वो ही कैन मेंटेन, वो मेंटेन कर सकता है वो अकाउंट अपना। जी वो मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल जी। ये सवाल आया था, मैंने एक सजेशन थी पाक बॉन्ड्स टू सेल थ्रू एचबीआर और यूबीएल ब्रांच नहीं हुई, सवाल एनी कमेंट ऑन दैट बड़ी साहब इसका जवाब दें प्लीज। जी इसमें देखें अभी जो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट्स हैं वो आप आउटसाइड पाकिस्तान डायरेक्टली इस तरह ब्रांच में सेल नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको एज ए ज्यूरिस्डिक्शन पाकिस्तान को वहाँ की ज्यूरिस्डिक्शन या सेंट्रल बैंक से इजाज़त लेनी पड़ती है और तब वो काम कर सकते हैं आप। तो डायरेक्ट सेल फ्रॉम विद इन द यूएई ब्रांच हमारे बैंक की वहाँ की जो ब्रांचेज हैं उनमें डायरेक्टली ऑफर नहीं कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। उसमें एक सवाल का जवाब और था गोंदल साहब, जो जो एक साहब बार बार कर रहे थे कि हम अपना एक्सचेंज रेट को यूएईडी के धर्म से क्यों ना लिंक कर लें, तो इस वक्त पोजीशन यह है कि बहुत पिछले साल एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज लेकर चलेंगे, तो ये एक पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, अगर आप सारा दिन देखें वेब पे चले जाएं, स्टेट बैंक की वेब पे चले जाएं या किसी मनी चेंजर की वेब पे चले जाएं, तो आपको क्लियरली रेट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता नजर आएगा, तो इसको किसी के साथ पैग नहीं किया जाता, ये हमारी पॉलिसी है और बहुत ही प्रूडेंटली हमने सोच के की है। अगर आप हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो मतलब अगर हम लेट से कल को सऊदीया वाले कहें कि अपनी करेंसी को सऊदीया के साथ पैग कर लें, यूके वाला कहे मेरे साथ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये और ये फेयर बात भी नहीं है। तो इट इज़ अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट जिसका सबको फायदा। अच्छा एक और सवाल आया था कि जी कितने पैसे आ रहे हैं, तो $23 बिलियन आए हैं, उसका 24% जो है वो यूएई से है, सो दैट इज द यू नो द यूएई इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान, जो जुल्कार खोखर साहब ने आपको बात बताई वो बड़ी है। अच्छा सर गोंदल साहब मुझे आखिरी बात कहनी, रिमेंबर के हम सब एक बात याद रखें, यूएई वाले तो खास तौर पे और सऊदी वाले, आपका मुल्क तो पाकिस्तान ही रहेगा, यू नो आपका मुल्क, आप ये राइट्स आपको नहीं है, यू नो तो चाहे 1.9 मिलियन पाकिस्तानी हो जाए चाहे 2.9 मिलियन पाकिस्तानी हो जाए, आपका मुल्क पाकिस्तान है, रिमेंबर दैट। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन यूएई एंड कनाडा, यूएस, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो आपका मुल्क पाकिस्तान है, तो हमें और आप ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, हमारी इनएफिशिएंसीज को भी आप ही ओन करते हैं और हमारी एफिशिएंसीज को भी आप ही ओन करते हैं, तो चाहे आप 40 साल यूएई में रहें चाहे 50 साल रहें, आपका मुल्क इरफान साहब आपने बहुत अच्छी बात की ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में, हम लोग नेगलेक्टेड मखलूक में से हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेगलेक्टेड, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने जो रोशन पाकिस्तान का दिया से इनकरेजमेंट हो रही है, लेकिन हम इस तरह सोचते हैं कि इससे पहले वाली मिनिस्ट्री वो कहते हैं भाई हमें तो इनसे पैसे लेने यार, हम तुम्हारे पे कानून लगा, आपको याद है कि हम हर चेक जो हमारा होता है उस पर से वो डिडक्ट कर लेते थे ट्रांजैक्शन, अभी भी डिडक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन हमारे को, जितने लोग हैं वो फाइलर नॉन फाइलर का एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि फाइलर नॉन फाइलर का क्या फर्क है अकाउंट में, आई थिंक इट इज सेम, अगर आप इसका जवाब दे दें, अगर कोई फाइलर है और एक नॉन फाइलर है आई थिंक बोथ आर इन द सेम लाइन, एक्सेप्ट वो 10% आप डिडक्ट होगा आपके अकाउंट पे एडवांस टैक्स। देखें ये थोड़ा सा इसमें दो चीज़ें इसमें सोचने की ज़रूरत है कि आपकी वहाँ पे एज ए रेजिडेंट इन यूएई क्या टैक्स ऑब्लिगेशन है और आपकी पाकिस्तान में क्या टैक्स ऑब्लिगेशन है। मेरी अगर पाकिस्तान में कोई टैक्स ऑब्लिगेशन है तो मैं उस टैक्स ऑब्लिगेशन के तहत डील करूँगा पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन के साथ, और यूएई में जो टैक्स ऑब्लिगेशन है वो वहाँ सेटल होंगी। इन अकाउंट्स के जरिए जो एनपीसी में इन्वेस्टमेंट है वो 10% विद होल्डिंग टैक्स फुल एंड फाइनल है रिगार्डलेस यू आर फाइलर और नॉन फाइलर।
इसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई लोकल टैक्स ऑब्लिगेशन, मसलन आपको कोई यहाँ बिजनेस है, आप उसे ऑन करते हैं, तो उस ऑब्लिगेशन को आपने यहाँ पूरा करने है फ्रॉम योर दैट बिजनेस पर्सपेक्टिव। मैं वो क्लैरिटी से देता हूँ जी, प्लीज। आई थिंक यू कैन क्लैरिफाई राइटली ऑन दैट अकाउंट। आई थिंक कोई और भी कुछ, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग यूएस डॉलर नॉन रेसिडेंट अकाउंट इन पाकिस्तान? तो क्या वो अभी जिनका अकाउंट खुला हुआ है उनके पास यूएस डॉलर वहां पड़े हुए, वो ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें? आई थिंक कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं जी, करंट यूएस डॉलर अकाउंट या करंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। ये रोशन डिजिटल अकाउंट में जो एग्जिस्टिंग आपके पाकिस्तान में किसी किस्म का अकाउंट है, चाहे वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है चाहे लोकल करेंसी अकाउंट है, उसमें से फंड्स डिपॉजिट नहीं हो सकते आरडीए में। फ्रॉम विद इन पाकिस्तान उसमें से फंड्स डिपॉजिट नहीं हो सकते आरडीए में। आप आरडीए में फंड्स बाहर से ही आने हैं और फिर आप उन फंड्स को जो मर्जी है करें, जैसे मर्जी करें और जहां मर्जी है ले जाए। मैं एक ले रहा हूं मोहम्मद ईशान खान के लिए, ओपन मोहम्मद ईशान खान, बड़ी अच्छी बात की, एजुकेट भी किया रिगार्डिंग परचेज ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स प्लेटफॉर्म। तो इसी परस्पेक्टिव में, जस्ट टू अवेयर द प्लेटफॉर्म, हमने यूबीएल के परस्पेक्टिव में हमारी 7 ब्रांचेज हैं, जिसमें 3 दुबई है, 3 अबू धाबी है और 1 शारजा है। So we cover 3 Emirates there. We have taken a special permission from Central Bank UAE as a facilitation desk for NRPs. So in addition to the technology we are providing, UBL has that lead. Even numbers to sabke paas hai, mashallah, UBL ke numbers bhi achhe. Apart from that, to facilitate, hamari branches open hai. Agar kisi ko koi technology ke ilawa bhi services chahiye, so we are up. My team is trained very well there so to educate everyone. मैंने तकरीबन 20 सितंबर को अप्लाई किया आरडी अकाउंट थ्रू स्टेट बैंक लिंक से, उसके बाद जो है एचबीएल अकाउंट ओपन करने के लिए। रीजन ये है कि फर्स्ट मैंने उनसे पूछा है कि आपके पास सेविंग अकाउंट है या कुछ, उन्होंने बोला सिर्फ ओनली 2 अकाउंट्स वी कैन ओपन, 1 आरडीए करंट, 1 डॉलर अकाउंट प्लस पाकिस्तानी करेंसी अपनी ओन करेंसी अकाउंट में रुपीज में। तो उसमें यूई करेंसी या दूसरी करेंसी में जो है कोई अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। नंबर 2, उन्होंने ये बोला है कि ये सिर्फ आपके करंट अकाउंट होंगे। उन्होंने बोला नया पाकिस्तान का वो अलग अकाउंट होगा, आपको नया उनका सर्टिफिकेट लेना होगा जाकर के। मुझे अभी तक आपने क्यों नहीं एक्टिवेट किया? मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट किए, आपने 5-6 फॉर्म मुझे सेंड किए, मैंने फिल करके सबमिट किया आपको। अगर उसमें फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रॉन्ग है, तो आपको मुझे बैक सेंड करनी चाहिए। तो लास्ट वीक उन्होंने सेंड बोला कि ये आपका अकाउंट नंबर है, तो जैसे फॉर्म की कंफर्मेशन आएगी तो आपको जो है अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, डॉलर अकाउंट, राइट सर? लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, ये 20 सितंबर से टिल नो मैं वेटिंग में हूँ। आप तो बोल रहे 48 आवर्स में एक्टिवेट होने की फैसिलिटी है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और मेरी डिटेल्स पूरी उनकी एचबीएल अकाउंट में, इवन मेरे कंसर्न ओल्ड ब्रांच जो है मेन ब्रांच जो चकवाल जिसमें ऑलरेडी मेरे अकाउंट हैं, वहां मैनेजर से भी। जी बटी साहब, आई थिंक यू कैन रिस्पॉन्ड। जी नजीर साहब, इसमें देखिए जो आपका पहला कंसर्न है जिसमें उन्होंने आपको सिर्फ करंट अकाउंट की बात की है, तो मैं ये रूल आउट नहीं कर सकता कि उस बैंक ने अभी ऑफर की है। 8 बैंकों में से मेरा ख्याल है 5 बैंक इस वक्त ऑफर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ सेविंग या करंट दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं। तो अगर एचपीएल के सर, आप बताएं कौन से 5 हैं, कौन से 5 हैं सर? 8 बैंकों के मैंने आपको नाम दिए हैं, यूबीएल है, मीजान है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, फैसल बैंक है, आंबा बैंक है, HBL है और अल्फला है, ठीक है? तो आप दूसरे बैंक एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कंसर्न स्पेसिफिक टू HBL है, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप जो RDA सपोर्ट का हमने आपको ईमेल आईडी दी है ना, आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्राइवेटली शेयर कीजिए, हमारी टीम HBL के साथ टेकअप करके आपका इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व कराएगी, ठीक है? RDA सपोर्ट RDA@hpp.org.pk। जी जी, इसमें सेविंग अकाउंट फैसिलिटी है सर? सर हमने
पॉलिसी की तरफ से कोई मना नहीं है, पॉलिसी के अंदर अब बैंक ने अपनी प्रोडक्ट्स ऑफर करनी है। देखिए मैं गुजारिश बार बार कर रहा हूँ कि बैंक्स ने अपनी प्रोडक्ट ऑफर्स करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर कर दी हैं, कुछ आने वाले दिनों में ऑफर कर देंगे बैंक्स। तो आने वाले दिनों में बैंक्स इसमें आपको टर्म डिपॉजिट की प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकते हैं। इसमें टर्म डिपॉजिट तो है, ठीक है, आप करंट अकाउंट में टर्म डिपॉजिट जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मनी जो है अगर डॉलर अकाउंट में रहेगी तो उसमें तो कुछ बेनिफिट आना चाहिए ना। वो बोलते हैं कि हम आपको सेविंग अकाउंट अलाउ नहीं करेंगे। नजीर साहब वो ऐसा नहीं कह सकते ना, मैं ये देखिए उसने प्रोडक्ट अगर ऑफर नहीं की तो वो अलग इशू है कि बैंक अभी आपको सेविंग प्रोडक्ट दे नहीं रहा, सिर्फ करंट प्रोडक्ट दे रहा है। सही, मैं दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आपको दूसरा कोई बैंक जो सेविंग प्रोडक्ट आप उससे ऑफर ले सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिक इशू आ रहा है, आप आरडीए सपोर्ट पे हमसे शेयर करें, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया मोमिन जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर इमरान साहब, उनका माइक म्यूट है सर। डॉक्टर मैं यूएस डॉलर अकाउंट खोलना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ से दरम अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। बैंक मुझे एक रेट ऑफर कर रहा है से 3.6875। अच्छा, जब मैं रिपेट्रिएट करता हूँ डॉलर से वापस दरम अकाउंट में, तो बैंक मेरे से बाय करता है 3.635 समथिंग। तो ये व्हाई शुड आई पे द डिफरेंस एक्सचेंज रेट? डॉलर और दरहम पैक्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉलर और दरहम की पैक्ड के हिसाब से जो रेट फिक्स इजिली किया जा सकता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई शुड आई पे द यू नो डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट? यूरोप में भी ट्रांसफर करेंगे फंड्स या अपने किसी अकाउंट में यूएस डॉलर में, अमेरिका में भी ट्रांसफर करेंगे, तो यूएई दिरहम और यूएस डॉलर की जो एक्सचेंज डिफरेंशियल है वो लगेगा, जो एक्सचेंज रेट उस वक्त का होगा वो लगेगा। और बैंक्स हर दुनिया के हर कंट्री में यही करते हैं कि उनका सेल साइड और बाय साइड का रेट उन्होंने दिया होता है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स से फॉरेन एक्सचेंज एक रेट पे लेते हैं और दूसरे रेट पे फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे मुनसर होता है। बैंकों को हमारी तरफ से ये हिदायत है कि ये ट्रांसपेरेंटली आपने रिफ्लेक्ट करना है अपनी वेबसाइट पे, और इसके साथ जो रेट का डिफरेंशियल है वो डिफरेंशियल एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 50 पैसे हमने उन्हें कहा है पर यूएस डॉलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल बाय साइड और सेल साइड का। तो मैं आपको जब डॉलर बेचूंगा तो एक रेट पे बेचूंगा, और जब आपसे डॉलर खरीदूंगा तो दूसरे रेट पे खरीदूंगा। ये एक्सचेंज रेट का एक बेसिक प्रिंसिपल है दुनिया भर में, जैसे पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सर इशू यही है कि जो दरम है जो ये तो पैक्ड है इसके साथ, तो व्हाई कांट स्टेट बैंक कैन फिक्स दैट? नहीं, स्टेट बैंक नहीं फिक्स कर सकता ना, स्टेट बैंक का मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, धर्म पैक्ड है फॉर यूएई ओनली, नॉट फॉर द वर्ल्ड अराउंड। मैं इसलिए आपको मिसाल दिया कि आप यूरोप में ट्रांजैक्शन करेंगे यूरोप में, तो आपका वो पैक्ड नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब इंटरनेशनल कानून तो चेंज नहीं कर सकते ना हम लोग। अच्छा, कैन एनीवन हैव टू एटीएम अकाउंट? वन दे कैन हैव एटीएम इन in Pakistan and any they can have ATM in UAE or anywhere? This is some question there. Wherever. जी, बैंक्स को हमने मना नहीं किया, वो एक बेसिक मेंबर कार्ड भी दे सकते हैं और साथ सप्लीमेंट्री कार्ड भी दे सकते हैं फॉर यूजेज फॉर देयर फैमिलीज, उसमें कहीं मानियत नहीं। अब बैंक्स ने ऑफर जो आगे कर रहे हैं तो कुछ बैंक्स अभी डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं सिंगल ATM कार्ड, फ्यूचर में वो दो कार्ड भी ऑफर कर सकते हैं। तो हम बैंकों को पुश भी कर रहे हैं कि दो कार्ड्स भले सप्लीमेंट्री कार्ड्स दें, उसमें आज जैसे मैं अपना कार्ड लेता हूं और मैं अपनी बच्ची के लिए कार्ड बना सकता हूं, तो वो इसमें भी मुयस्सर होगा इंशाल्लाह। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए, और अगर किसी को क्वेश्चन देना है। अच्छा, इम्तियाज गोंदा साहब वांट टू टॉक। जी डॉक्टर साहब, मैं जस्ट आज के एक्सपीरियंस को वांटेड टू सम अप, स्पेशली थैंक्स टू यू पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल डॉक्टर कैसर एंड योरसेल्फ। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो हमने कुछ अर्सा पहले जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट की शुरू हुई पब्लिसिटी, तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको इसके जो कंटेंट्स थे उनको डाला, तो बहुत सारी क्वेरीज थी इसके ऊपर
लोगों के क्वेश्चन थे जो आज के जो हुआ है ये वेबिनार से इसकी पार्टिसिपेशन और इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन से बड़ा क्लियरली विजिबल भी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लेकिन इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी जो आज के इस वेबिनार ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आपकी आपने लीड लिया इसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने, आप लोगों ने यू स्टेप फॉरवर्ड विद द एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान हियर एंड स्पेशल थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमारे तीनों ऑनरेबल पैनलिस्ट सैयद इरफान अली साहब, अरशाद भट्टी साहब और जुल्फिकार खोकर साहब, इन्होंने अपना बड़ा प्रेशियस टाइम निकाला और फॉर लास्ट 1.5 आवर इन्होंने इंटरेक्ट किया हमारे साथ, हमारी यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इनके साथ, और इंशाल्लाह ये एक बड़े अच्छे नया आगाज है जहाँ पे हम अपने लोगों के साथ डायरेक्टली उनके क्वेश्चंस को लेके उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनके कंसर्न्स को। तो आई होप इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे स्टेट बैंक के साथ भी और बाकी इदारों के साथ भी मिलके, पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो विल कंटिन्यू टू डू सच प्रोग्राम्स इंशाल्लाह। जो आपने शुरू में एक बात की थी ट्रेड प्रमोशन के बारे में और इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में हमारी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सारों के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम मजीद वेबिनार्स भी और सेमिनार्स भी जो भी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, हम कंटिन्यू करेंगे। और जिसका पर्पस है अपने लोगों के लिए फैसिलिटेशन को एनहांस करना इकोनॉमिक फील्ड में भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। आई थिंक इट्स यूएई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, यहाँ से हमारी रेमिटेंसेस भी जा रही है और यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी जाएगी इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान अबू धाबी टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बाकी सबके साथ मिलकर कि हम अपने लोगों को मजीद बेहतर सर्व कर सकें। आई वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर कैसर साहब पर्सनली एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं कि आप लोगों ने आज का टाइम निकाला जिससे हमारे कम्युनिटी के जो बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज थी वो इंशाल्लाह इफेक्टिवली रिजॉल्व। वेरी मच, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं तीन चीजों को और देखना चाहता हूँ। एक मोहसिन शाह साहब को सवाल करें, आप खोले दो। जी मोहसिन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम हियर फ्रॉम एचबीएल सर। सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय स्टेट बैंक एंड आई पर्सनली वांट टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नजीर साहब आपकी डिटेल मैंने नोट कर लिया, वी विल गेट इन टच विद यू इमीडिएटली, आपका नाम मैंने दे दिया एंड वी आर आल्सो चेकिंग इट। हमारी तरफ से देखें किसी किस्म की अगर कोई कोताही हुई है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू, वी विल मेक श्योर वी टेक इमीडिएट नोटिस। यूएई के अंदर जी हम भी ये आपको बताना चाह रहे हैं फॉर एवरीबडी ऑन द कॉल, वी हैव रिटन आउट टू द यूएई सेंट्रल बैंक एंड वी आर अवेटिंग इंस्ट्रक्शंस, एज़ सून एज़ वी रिसीव दोस वी विल आल्सो इंशाल्लाह बी शेयरिंग गुड न्यूज विद द यूएई ओवरसीज पाकिस्तानी। हम भी वहाँ पे ऑफशोर ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए ये डेस्क खोलेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड फास्ट ट्रैक सर्विसेज। नजीर साहब इन योर केस आपका नंबर लेकर और आपसे रابطہ भी करेंगे, इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ इश्यूज वी आर हैप्पी टू एड्रेस दीस आउट ऑफ आवर यूएई ऑपरेशंस एज वेल एज इन आवर पाकिस्तान ऑपरेशन एंड आवर आईडिया एंड इनिशिएटिव इज टू प्रमोट एंड फास्ट ट्रैक आपके अकाउंट ओपनिंग एज़ सून एज़ पॉसिबल। बहुत शुक्रिया मोहसिन शाह साहब, माय रिगार्ड्स टू वलीद साहब, माय रिगार्ड्स टू वलीद साहब, ही इज अ ग्रेट टीम हियर। Thank you very much. Can you go to the second one, Miss? Dr. Imran. Yeah, yeah. Dr. Imran. Ji, Dr. Imran. No, mute. He's muted. Dr. Imran is muted. Okay, leave it. Then go to other one. Amir. Absar. Absar. Okay. Amir. Yes, Mr. Amir. Not opening. Okay. डॉक्टर साहब आप कंक्लूड कर सकते हैं अगर आप मुनासिब समझते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड। आई थिंक वी कंक्लूड दैट। थैंक यू सो मच अगेन, आई एम अगेन थैंकफुल टू इम्तियाज बोंदर साहब, ही जस्ट अराइव्ड रिसेंटली एंड हम लोगों ने उनको चैलेंज दे दिया एंड नाइसली टैकल दिस, अटेंडेड दिस एंड आई एम श्योर लुकिंग काउंसिल इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क मोर फॉर ऑल द डिपार्टमेंट एंड वी कैन सिट डाउन एंड वी कैन हैव अ monthly meeting on this subject and go ahead. I'm very, very thankful to Reza Bakar sahab ki main ek cheez yaad hai jab unhone ye announce kiya tha ki hamare paas remittance aati hai overseas Pakistani ki, but hamare paas remittance aa rahi hai IT technology ke log jo Pakistan mein kaam kar rahe hain. This is growing also. I wish that they should also grow more, jo ki technology pe internationally kaam karte hain jisse paise Pakistan aate hain.
इसके साथ ही मैं अगेन अगर आपको इरफान साहब आपको क्लोजिंग स्पीच कहनी है यू वांट टू क्लोज इट जी आई थिंक थैंक यू डॉक्टर साहब और गोंदल साहब आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल यू नो गेट टुगेदर ये वेबिनार जो हुआ आई थिंक इसमें जो काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी क्लियर होगा एक तो जो जस्ट आधा मिनट से भी कम एक तो एट द डिजिटल फ्रंट एक मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान बहुत सीरियसली मूव कर रहा है डिजिटल फ्रंट पे दूसरा फ्रीलांसर कम्युनिटी दैट जैसे है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है तीसरी बात इंडीड जो पाकिस्तानी यहाँ इस वक्त इस हमारे वेबिनार में मौजूद हैं और एंटायर 1.9 मिलियन यूए रेजिडेंट पाकिस्तानीज आर अगेन डूइंग द वंडरफुल फैंटास्टिक and they are contributing 24% of the remittances that get back to Pakistan. So continue to do so kindly. और ये जो हमने investment opportunities create की हैं नया पाकिस्तान certificate के context में please invest there. ये जो rate of returns इसमें मिल रहे हैं ये कहीं नहीं मिल रहे. This is unprecedented. So kindly take maximum advantage of it. It is to your benefit. और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है तो जब भी आप वापस आएंगे तो दीज इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज रिमेन सेफ दे विल ऑलवेज रिमेन योर्स वैसे भी हमारा मुल्क है हमने इसका ख्याल रखना है हमारी गलतियों और कोताहियों को काइंडली पॉइंट आउट करें और माफ भी करें इग्नोर भी करें थोड़ा सा हमारी हम गलतियां करेंगे अभी ये नया नया तो काइंडली इसे पाकिस्तानी हमारी खातिर बर्दाश्त करें हम इसमें करेक्शन कर रहे हैं चीजें हम ठीक करते हैं जैसे हबीब बैंक के मेरे दोस्त आए उन्होंने खुद आके कहा कि हमसे गलती हुई है हम माजरत खा हम इसको ठीक करें तो वी हैव दैट करेज हम आपके साथ हौसले से कहेंगे कि जी हमने गलती की है काइंडली हमें माफ कर दें हम इस गलती को ठीक करते हैं तो वो जरा हौसला काइंडली आप हमारे लिए जरूर दिखाएं हजारों पाकिस्तानी आपको खुशी होगी कि अकाउंट खोल रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं ये आपके ही पैसे हैं पहले भी आप ही भेजते हैं अब भी आप ही भेज रहे हैं हमारे लिए भेज रहे हैं and I'm really you know honestly we are grateful jaise dr saab ne apni the speech mein shuru mein kaha ki hum in fact exports se aage nikal gaye actually dr saab to pakistani are genuine contributors to pakistan to jise hum acknowledge karte hain aur aapke paise se pakistan mein tarakki hoti hai hum import ke paise pay karte hain so you know a lot of things hum log overseas pakistan mein khushiyon pe zinda hai पाकिस्तान में जब चीजें अच्छी होती हैं हम लोग तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं लेकिन कोई ऐसी चीज होती है चुपचाप रहते हैं हम कभी कंप्लेंट नहीं करते आपने कभी देखा नहीं हुआ किसी फोरम पे कोई कंप्लेंट कर रहा होता है हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने पाकिस्तान से एक बात बताओ पाकिस्तानी चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान की और हर इलाके के आदमी बहुत मेहनती है इससे अच्छी कौम मैंने नहीं देखी सर आप पठानों के देखिए जितने मेहनत से काम करते हैं यहाँ और पाकिस्तान में दोनों जगह इसी तरह आप पंजाब को देखिए किस मेहनत तरीके से काम करते हैं और खुश रहते हैं इसी तरह सिंध को देखिए सब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के कराची से आप देखिए कितनी रिसोर्स पैदा की हुई है ठीक है हम डिसऑर्गेनाइज हैं हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह हम दुआ है हमारी इसी तरह हमारा बलूचिस्तान है जो सबसे जखेस है इंशाल्लाह वहाँ ग्वादर भी लग रहा है वहाँ सीपेक भी आ रहा है हम इस पर काम करेंगे उनको भी साथ डेवलप करेंगे और पाकिस्तान एक उभरता हुआ एटॉमिक ताकत का मुल्क है और ऑलवेज स्टॉप हमें हमेशा कहते हैं पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस सारे इंटरनेशनल लोग आके हमारे यहाँ गेम खेलते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आ जाती है इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग गुड एंड इसी तरह यूई को मैं दुआ देता हूँ कि और ज्यादा तरक्की करें और ज्यादा बिजनेस क्योंकि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और बहुत इज्जत दी इसके साथ मैं ये प्रोग्राम क्लोज करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि आइंदा कभी भी प्रोग्राम करें तो हम हाजिर हैं काउंसिल ये कोविड की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है वरना ये रास्ता हमने नहीं देखा था ये बेनिफिट है कोविड की वजह से तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका सारे पार्टिसिपेंट को जो तशरीफ लाए अगर किसी का सवाल रह गया है वेरी सॉरी मैं माजरत करता हूँ वो अगर हम लिख के भेज दें हम उसका फौरन जवाब दे देंगे एंड वी विल इंटरेक्ट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया सर और रजा बाकर साहब का और दुआ करता हूँ अपने मुर्जा साहब के लिए उनको अल्लाह साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर
थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू वेरी मच, और साइबा बेगम का जिन्होंने ये सारी टीम अरेंज की, ऑर्गेनाइज किया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी इम्तियाज साहब।